Hi, hello, students. This is CS Sushil Kumar, your mentor and guide for CA Articleship Interview and CA Final Preparation. In this video, I am going to take you through few important functions, formula as well as shortcuts in MS Excel that is going to make your life very easy in corporate as well as consulting firm. For my students who are looking for Articleship training, this video is going to be a great add-on to their knowledge as well as resume. Okay? So please, you all, watch carefully. प्रॉपर नोट्स बनाना एंड समझना अच्छे से कमिंग टू द फ्लो ऑफ दिस वीडियो मैं किस तरीके से समझाने वाला हूँ आप लोगों को तो आई वर्क ऑन अ शीट मैं एक शीट पे वर्क करूँगा एंड वाई वर्किंग ओनली आई विल मेक यू अवेयर ऑफ द फ्यू इम्पॉर्टेंट फंक्शन एज वेल एज शॉट ठीक है सो so, मैं इस तरीके से नहीं करने वाला हूँ कि चलो कुछ शॉर्टकट्स देखते हैं चलो कुछ फॉर्मूलाज देखते हैं ठीक है मैं वाई वर्किंग ओनली आई विल लेट यू नो दैट वाई आई एम यूजिंग दिस फंक्शन एंड वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट हाउ यू विल यूज़ दिस फॉर्मूला टू फे जानी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ द डेटा

ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ए बी सी डी लिखा होता है एंड वर्टिकल पे वन टू थ्री फोर लिखा होता है मैं अगर यहाँ करता हूँ क्लिक इट इज एच टू अब देखो ये जो मैं नाम बता रहा हूँ ना ये तो आप लोगों को देखना पड़ रहा है कि इसके ऊपर क्या है इसके लेफ्ट में क्या है बट आप अगर यहां देखो दिस इज द नेम बॉक्स यहाँ टॉप में ओके okay? आपका जो भी सेल सेलेक्टेड रहेगा ना यहाँ पर उसका नाम आता है मैं अगर यहाँ करता हूँ क्लिक तो दिस इज सी नाइन अब देखो यहाँ सी नाइन ओके दिस इज एच फोर देखो यहाँ एच फोर सो आपका जो भी सेल सेलेक्ट होगा नेम बॉक्स आपको नाम बताता है जे इलेवन अभी मेरा सेल सेलेक्ट है अब इसके बाद ये होता है मेरा फार्मूला बार फार्मूला बार सेल का कॉन्टेंट बताता है जैसे मैं इस सेल में लिखता हूं द ऑडिटर सेल मेंटेन एन एटीट्यूड ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रू आउट दी ऑडिट ओके ये मैंने लिखा है ई फाइव में अब देखो आप यहाँ नेम बॉक्स में देखो यहाँ पे सेल का नाम दिखा रहा है ई फाइव और फार्मूला बार में उस सेल का कंटेंट दिखा रहा है अब आप बोलोगे कि सर ये ई फाइव में तो नहीं है ये तो यहाँ तक दिख रहा है एल फाइव तक दिख रहा है नो द ऑनली थिंग इस सेल का साइज छोटा है ये सेल का साइज इतना ही है और हमने एक बहुत ही बड़ा सा स्टेटमेंट लिखा है जो कि यहाँ तक तक एक्सपेंड हो गया है ठीक है ये यह यहाँ पर कुछ नहीं है देखो आप हाँ देखो ये फार्मूला बार ब्लैंक आ रहा है राइट right? मैं अगर यहाँ पे जे फाइव में करता हूँ क्लिक नेम बॉक्स में देखो जे फाइव और यहाँ पर ब्लैंक है ठीक है सो द कॉन्टेंट इज़ ओनली इन ई फाइव और सिर्फ उसका साइज़ बड़ा है इसलिए ये ओवरलैप हो रहा है ठीक है इस पर हम लोग अभी आगे और करेंगे डिस्कस बट अभी इतना समझो कि दिस इज द नेम बॉक्स एंड दिस इज़ आवर फार्मूला बार जो हमें जो सेलेक्टेड सेल है ना उसका कॉन्टेंट दिखाता है ठीक है कि उस सेल में क्या है ठीक है चलो एक और बेसिक में आता है ये जो सबसे ऊपर दिख रहा है आपको ये है मेरा टाइटल बार ओके अब टाइटल बार में यहाँ पे होता है मिनिमाइज ये रिस्टोर डाउन एंड ये क्लोज ओके बट एक शॉर्टकट है कि आप अगर टाइटल बार पे भी डबल क्लिक करते हो तो देखो ये ये रिस्टोर डाउन हो, हो जाता है ओके आप जब टाइटल बार पे भी डबल क्लिक करते हो तो ये मैक्सिमाइज हो जाता है और ये जो टाइटल बार वाला है ना ये सब पे करता है काम जैसे देखिए ये जो मेरा विंडोज एक्सप्लोरर का बैकग्राउंड में ओपन है मैं इसके भी भी टाइटल बार पे जाके डबल क्लिक करता हूँ तो ये रिस्टोर डाउन हो जा रहा है ठीक है और फिर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये मैक्सिमाइज हो जा रहा है तो ये आ, मतलब कि सारे विंडोज़ पे करता है वर्क ये टाइटल बार वाला अब चलो इसको मैंने मैक्सीमाइज़ कर लिया एक और तरीका है ऑल्ट स्पेस ऑल्ट स्पेस मैं करता हूँ प्रेस तो यहाँ भी मुझे ऑप्शन आता है रिस्टोर मिनिमाइज़ मैक्सीमाइाइज एंड क्लोज ओके अभी क्लोज पर प्रेस कर देंगे तो ये विंडो क्लोज हो जाएगा और क्लोज का एक और शॉर्टकट होता है आप देखो यहाँ ऑल्ट प्लस एफ फोर लिखा हुआ है दैट मीन्स अगर मैं अभी ऑल्ट एफ फोर प्रेस कर दूँ तो ये मेरा एक्सेल शीट बंद हो जाएगा वैसे मैं आपको बता दू कि ऑल्ट एफ फोर जो है वो एक्सेल का स्पेसिफिक नहीं है ये विंडोज एक्सप्लोर के लिए ही होता है पूरा जैसे मैं अगर अभी डेस्कटॉप पर जाके ऑल्ट एफ फोर कर दू प्रेस तो ये देखो शट डाउन का मांगने लगा ठीक है चलो सो so, ये हो गया आ, नेम बॉक्स हो गया फार्मूला बार हो गया टाइटल बार पे डबल क्लिक करके मैक्सिमाइज रिस्टोर डाउन हो गया अब ये देखो ये जो नीचे में मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना ये है मेरा स्टेटस बार ठीक है स्टेटस बार बहुत ही काम का चीज़ है जैसे सपोज यहाँ पर लिखा हुआ है सम फिगर दिस इज सम फिगर दिस इज सम फिगर ओके मैं अगर इस तीनों को सेलेक्ट करता हूँ ना इस तीनों को अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो हमारा जो स्टेटस बार है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है पहला तो एवरेज कि इस तीनों का एवरेज कितना है उसके बाद काउंट काउंट मतलब होता है कि ये कितने लाइन आइटम्स है वन टू थ्री थ्री काउंट ओके एंड सम ठीक है मतलब कि अगर आपके पास कुछ फिगर्स है और आप उसको सम का फार्मूला लगाए बिना आप सिर्फ उसे सेलेक्ट करोगे तो यहां पर आपको स्टेटस बार बता देगा दैट उस जो मतलब कि जो भी आपने सेलेक्ट किया है उसका सम कितना है ठीक है सो so ये स्टेटस बार में तीन इंफॉर्मेशन आते हैं एवरेज काउंट और सम आप यहां पर देख रहे होंगे ये सब डिफरेंट शीट्स है अभी मैं सब करूंगा डिस्कस बट एक ये मेरा पूरा का पूरा एक्सेल फाइल है ठीक है ये मेरा पूरा का पूरा एक्सेल फाइल है और इस एक्सेल फाइल में इतने सारे शीट्स ओपन है शीट वन शीट टू सो दिस वर द शीट्स इन एम एस एक्सल अब नेक्स्ट थिंग इज सपोज मैं अभी जब आपको शॉर्टकट uh, बोलूँगा ना तो मैं अगर मान लो आपको कहता हूँ कंट्रोल प्लस सी ठीक है मैं अगर आपको कहता हूँ कंट्रोल प्लस सी या शिफ्ट प्लस एस सपोज ठीक है और मैं कहता हूं ऑल्ट एफ सी देखो जब मैंने कंट्रोल लिखा है ना तो कंट्रोल प्लस सी लिखा है इसका मतलब कंट्रोल को प्रेस किए हुए हम लोग सी को प्रेस करेंगे ठीक है जब मैंने शिफ्ट लिखा है तो भी मैंने शिफ्ट प्लस लिखा है मतलब जहां भी मैं प्लस बोल रहा हूं ना वहां शिफ्ट को प्रेस करके और एस प्रेस करेंगे साथ साथ बट जब मैं Alt, जब मैं ऑल्ट लिखाऊँ तो मैं ऑल्ट कोमा एफ कोमा सी लिखाऊँ दैट मीन्स अगर मैं आपको कहता हूँ कि मैं प्रेस कर रहा हूँ ऑल्ट एफ सी दिस मीन्स मैंने ऑल्ट प्रेस किया और छोड़ा फिर मैंने एफ प्रेस किया और फिर मैंने सी प्रेस किया ठीक है यह चीज समझ आया कि नहीं मेरा कहने का मतलब है कि अगर मैं आपको बोलूँगा कि मैंने अभी कंट्रोल ए प्रेस किया दैट मीन्स मैं कंट्रोल को प्रेस किया था एंड विदाउट रिलीजिंग कंट्रोल आई प्रेस्ड ए ठीक है अगर मैं बोलूँ कि अभी मैंने ऑल्ट ए प्रेस किया दैट मीन्स ऑल्ट को मैंने प्रेस किया रिलीज किया और उसके बाद मैंने ए प्रेस किया ठीक है तो ये आप लोग ध्यान रखना कन्फ्यूजन ना हो क्योंकि स्क्रीन पे आप लोगों को ये नहीं दिखेगा कि मैं अगर कंट्रोल सी कर रहा हूँ तो मैं कंट्रोल को रिलीज करने के बाद कर रहा हूँ या क्या ठीक है तो इस बात का ध्यान रखना मैं और इन्फॉर्मेटिव होने के लिए मैं बोल दूंगा कंट्रोल प्लस सी या फिर और, या फिर ऑल्ट कोमा एफ इस तरीके से करके ठीक है ओके चलो अब बढ़ते नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मेन रजिस्टर में अभी देखो अभी मैं यहाँ पे करता हूँ क्लिक मैं अगर आपसे पूछूँ कि इस सेल का का नाम क्या है तो इट इज़ एफ फोर ओके इट इज़ एफ थ्री और इस सेल में कंटेंट क्या है तो मोदी प्राइवेट लिमिटेड हमें फार्मूला बार में दिख रहा है अब देखो मैं अगर आपको कीबोर्ड से बताऊँ कि सेलेक्ट कैसे करना है सेल को तो स्विफ्ट प्लस डाउन एरो ओके और राइट right एरो और लेफ्ट एरो ठीक है मीन्स यू हैव टू कीप प्रेसिंग shift shift plus down 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 और यू कैन डू लाइक दिस ओके चलो वहीं अगर हम लोग control plus control plus सपोज मैं राइट right एरो कर रहा हूँ कंट्रोल प्लस राइट एरो तो देखो ये जो मेरा सेल था ये यहाँ पर आ गया ये थोड़ा सा क्लियर होगा ज़्यादा ऐसे मैं दिखाता हूँ सपोज यहाँ पर है 23 और यहाँ पर है 34 फोर यहाँ पर है 54 और यहाँ पर एक फिगर है ठीक है ठीके? देखो अगर मैं कंट्रोल और डाउन प्रेस कर रहा हूँ तो इससे मेरा सेल मूव होकर नेक्स्ट सेल में जा रहा है जहाँ पे कुछ कंटेंट है ओके थर्टी फोर के बाद मैं फिर से कंट्रोल डाउन कर रहा हूँ तो ये 54 पे आ रहा है इसका मतलब कि मैं अगर कंट्रोल डाउन करूँ तो मेरा सेल डाउन उस सेल पे जाके रुकेगा नीचे जहाँ पे कुछ कॉन्टेंट है ठीक है मैं अब देखो कंट्रोल राइट right करता हूँ ठीक है कंट्रोल राइट right अगर मैं मैं करता हूँ तो देखो ये एक्सल शीट के बिल्कुल लास्ट में आ गया जो कि कुछ भी कंटेंट नहीं था वहीं मैं अगर यहाँ पर आने के बाद 23 पे पे आने के बाद अगर मैं कंट्रोल राइट करूँ तो ये 453 पे आके रुक जाएगा ठीक है अब मैं यहाँ से अगर करता हूँ कंट्रोल राइट तो ये फिर से वापस से लास्ट में चले जाएगा ठीक है अब सर आप हमको ये बता क्यों रहे क्योंकि वाइल वर्किंग आई विल यूज दिस थिंग अलॉट ओके अब एक स्टेप और देखो मैंने बताया था कि स्विफ्ट प्रेस करके अगर आप सपोज डाउन एरो डाउन एरो कर रहे हो तो ये सेलेक्ट कर रहा है ठीक है मैंने आपको बताया था अब आप अगर कंट्रोल प्लस शिफ्ट और प्लस डाउन करते हैं ना तो ये ऐसा होगा देखो कंट्रोल डाउन करने से क्या होता था नेक्स्ट सेल तक जाता था शिफ्ट डाउन करने से क्या होता था सेलेक्ट करता था इस दोनों को कंबाइन कर दिया कंट्रोल शिफ्ट डाउन तो सेलेक्ट करते हुए नेक्स्ट सेल तक जा रहा है ठीक है अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ सपोज मैं यहां पर हूं ठीक है और मैं कंट्रोल शिफ्ट और राइट करता हूँ तो देखो ये सेलेक्ट करते हुए बिल्कुल वहाँ तक आ गया जहाँ पर हमारा कॉन्टेंट खत्म हुआ है इसके बाद देखो कुछ भी कॉन्टेंट नहीं है ठीक है इसके बाद का जो सेल है वो ब्लैंक है मैं अगर ऐसा करता हूं कि मैं बीच में एक रो इंसर्ट कर दिया ठीक है अगर मैं एक बीच में रो इंसर्ट कर दिया और फिर मैं ये सीरियल नंबर पे आके कंट्रोल शिफ्ट राइट तो ये देखो मंथ पे रुक जाता है क्यों रुका क्योंकि यहां पर एक ब्लैंक सेल है ठीक है अब आपको समझ आ गया हुआ कंट्रोल राइट लेफ्ट कंट्रोल अप डाउन ये सब ठीक है आप जो भी एरो प्रेस करोगे उस तरीके से मूव करेगा कंट्रोल के साथ करते हो तो वो नेक्स्ट फील्ड सेल तक जाएगा शिफ्ट के साथ करते हो तो वो सेलेक्ट करता हुआ जाएगा ठीक है जैसे मैं अगर सीरियल नंबर से कंट्रोल राइट करूँ सिर्फ तो ये मंथ पे करेगा मूव फिर से करूँ तो ये ये इन नंबर पर आएगा और, और एक और बार करूँ तो ये सबसे लास्ट में आ जाएगा ठीक है चलो अब आप लोगों ने देखा होगा दैट मैंने एक यहाँ पे रो इन किया राइट right? डी और इसके लिए मैंने कोई माउस का यूज़ नहीं किया था सो वॉट इज द शॉर्टकट टू इन अ रो मैं सपोज मुझे ये एच एच के लेफ्ट में एक रो इन करना है ठीक है तो मैं सबसे पहले प्रेस करूंगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट से वर्टिकली पूरा रो सेलेक्ट हो जाता है एंड उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट प्लस क्या बोला मैंने कंट्रोल प्लस स्पेस कंट्रोल प्लस स्पेस टू सेलेक्ट देन कंट्रोल प्लस शिफ्ट और प्लस की ठीक है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस की ठीक है तो उससे यह लेफ्ट साइड में इंसर्ट हो जाएगा नाउ आई वॉन्ट टू डिलीट दिस देन सेलेक्ट इट अगेन कंट्रोल प्लस स्पेस एंड देन कंट्रोल प्लस माइनस की कंट्रोल प्लस माइनस की ओके तो ये डिलीट हो जाएगा ठीक है सो so चलो Uh, आप लोग को वर्टिकली रो इंसर्ट करने एंड डिलीट करने आ गया ठीक है आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा द नेक्स्ट थिंग इज हाउ टू एडजस्ट अ सेल साइज देखो आप लोगों को याद होगा दैट मैंने यहां पर E5 में ये चीज लिखा था कि द ऑर्डर शैल मेंटेन एन एटीट्यूड ऑफ प्रोफेसर में थ्रू आउट द ऑडिट बट इसका साइज बहुत ही ज्यादा हो रहा था ठीक है तो अगर इस सेल का साइज एडजस्ट करना है अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेंट तो हम लोग इस सेल के लास्ट एरिया में राइट साइड पे यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा लाइक दिस ठीक है मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया और ये सेल का साइज उतना बड़ा ही हो गया जितना ये ऑलरेडी था मतलब कि जितना इसका कंटेंट का साइज था ठीक है हाँ अब देखो मान लो कि ये छोटा है यहाँ पे इसका शॉर्टकट है क्या ऑल्ट एच ओ आई देखो ये हो गया बड़ा ठीक है ऑल्ट एच ओ आई अभी ये जो मैंने ऑल्ट एच वाई किया ये मैंने कैसे किया ऑल्ट प्रेस किया छोड़ा एच प्रेस किया छोड़ा ओ प्रेस किया छोड़ा एंड आई प्रेस किया छोड़ा ठीक है चलो सो so, ये सेल एडजस्ट करने आप लोगों को आ गया एक और चीज़ है अगर मैं सेल को एडिट करना चाहता हूँ तो मैं सेल में जाकर एफ टू प्रेस करूंगा एफ़ टू प्रेस करूंगा तो देखो यहाँ पे कर्सर एक्टिव हो गया अब मैं यहाँ पर आके मान लो कि मेरा ये ऑडिटर शैल नहीं होगा द ऑडिटर शुड होता अगर तो मैं इसको सेलेक्ट करके ऐसे करके इसे मैं चेंज कर दूँगा ठीक है राइट सो एफ टू टू एडिट द सेल कॉन्टेंट एंड ऑल्ट एच ओ आई टू एडजस्ट द सेल साइज ठीक है आप एडजस्टमेंट यहां से भी कर सकते हो डबल क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा अदरवाइज आप इसको पक, आ, ऐसे मतलब कि क्लिक करके ड्रैग भी कर सकते हो राइट right, लेफ्ट जितना बड़ा चाहते हो ओके okay? चलो ये हो गया ठीक अब नेक्स्ट एंड द एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ फिल्टर ओके फिल्टर लगाने में अभी आप लोगों को बता रहा हूँ जब भी कोई बहुत बड़ा डेटा हम लोग हैंडल करते हैं तो फिल्टर हम लोगों को बहुत हेल्प करता है और हमारा काम काफ़ी इजी करता है ठीक है लाइक सपोज सपोज दिस इज़ अज सेल्स रजिस्टर जैसे इस टोटे इस टोटल सेल्स रजिस्टर में अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ ऊपर से लेकर नीचे तक मैंने सेलेक्ट किया है देखो यहाँ पर काउंट कितना आ रहा है फिफ्टी मतलब ये 51 लाइन आइटम्स है और ये जो मैंने ऊपर से नीचे सेलेक्ट किया मैंने कैसे किया होगा सेलेक्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो ओके मैंने ऑलरेडी बता रखा है अब चलो सपोज मैं ऐसा चाहता हूँ कि इसमें ना न आ, इसमें मैं सिर्फ मोदी प्राइवेट लिमिटेड का देखना चाहता हूँ कि मोदी प्राइवेट लिमिटेड की डिटेल्स क्या है आउट ऑफ ऑल दिस थिंग ठीक है तो मैं अगर ऐसे देखूँ बिना किसी फंक्शन के तो मुझे सर्च करना पड़ेगा अच्छा एक मोदी प्राइवेट लिमिटेड यहाँ है और एक यहाँ है और ऐसे ठीक है बट इसको शॉर्ट करने के लिए हम लोग फिल्टर का यूज करते हैं फिल्टर हम लोग आ, कैसे इंसर्ट करते हैं शीट में देखो जिस हेड पे लगाना है आपको फिल्टर वहाँ पे आएंगे शिफ्ट स्पेस शिफ्ट स्पेस करने से ये हॉरिजॉन्टली पूरा लाइन सेलेक्ट कर लेता है ओके आप लोग को याद होगा मैंने कंट्रोल प्लस स्पेस बताया था फॉर वर्टिकली कंट्रोल स्पेस फॉर वर्टिकली एंड शिफ्ट स्पेस फॉर हॉरिजॉन्टली ऐसे सेलेक्ट करके ऑल्ट डी एफ एफ ऑल्ट डी एफ एफ याद रहे ये कोमा वाला है ऑल्ट कोमा डी कोमा एफ कोमा एफ आप लोग देख रहे होंगे कि ऑल्ट डी एफ एफ करने के बाद एक ये कुछ ड्रॉप डाउन काइंड ऑफ थिंग बना है ठीक है मैं क्या करूंगा इसको यहां से करूंगा ड्रॉप डाउन और यहां पे मैं लिखूंगा मोदी ठीक है मोदी देखो ये आ गया मोदी प्राइवेट लिमिटेड इसे मैं करूंगा ओके सी इस पूरे रजिस्टर में दो लाइन आइटम्स है मोदी प्राइवेट लिमिटेड का हम इसका डिटेल्स यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि अच्छा इसका टैक्सेबल वैल्यू इतना है इसका एजीएसटी अमाउंट इतना है ओके सो इट इज वन ऑफ द यूज ऑफ फिल्टर और अब फिल्टर लग ही गया है तो मैं आप लोग को इसका और यूज बताता हूँ सपोज मान लो कि ये जो वेंडर का नाम का लिस्ट है ना इसको आप सॉर्ट करना चाहते हो फ्रॉम ए टू जेड ठीक है मतलब कि जो वेंडर का नाम है वो ए टू जेड में सॉर्ट हो जाए ठीक है तो मैं ए टू जेड पे ऐसे क्लिक कर दूंगा आप देखो बी सी डी इस तरीके से ये शॉर्ट हो गया राइट सिमिलरली अगर हम चाहें तो इसे हम जेड टू ए भी शॉर्ट कर सकते हैं जेड वाई टी ओके आफ्टर दिस आता है फिल्टर बाय कलर देखो अभी इसमें ना कोई कलर नहीं है मैं कुछ कलर करता हूं इसमें वेट लो कि ये आपका डेटा था और आपने आइडेंटिफाई करके रखा है कि कौन से ऐसे सप्लायर है जो कि समझो जिसका रजिस्ट्रिया नंबर कैंसिल हो चुका है ओके okay? अब आपने ये जो मैंने ब्लू काइंड ऑफ थिंग मार्क किया है ये आपने आ, वैसे सप्लायर को मार्क किया था जिनका जी एस नंबर एक्सपायर कर चुका है और ये जो ग्रीन वाले हैं ये वैसे सप्लायर है जो हमें इन अभी तक भेजे नहीं है ठीक है तो देखो आप जब फिल्टर लगाना चाहोगे ना फिल्टर बाय कलर तो यहाँ देखो दो ऑप्शन आ रहा है मतलब इस पूरे रो में दो काइंड ऑफ कलर है आप किस कलर के बेसिस पे फिल्टर करना चाहते हैं सपोज मैं इसे करता हूँ सेलेक्ट तो देखो जितने भी सेल ये सेलेक्टेड होंगे वो सारे आ जाएंगे ठीक है तो सपोज यहाँ पर अगर बहुत बड़ा डेटा होगा यहाँ पर अगर बहुत ही बड़ा डेटा रहता है और वहां पर आपने बहुत सारे आ, सेल्स को मार्क कर रखा है नाउ यू वॉन्ट टू सी ओनली दो सेल्स ठीक है तो आप यहां पर फिल्टर बाय कलर करेंगे ठीक है चलो फिल्टर बाय कलर के बाद आता है टेक्स्ट फिल्टर जो कि इम्पोर्टेंट होता है ऐसे रो में जहां पर अमाउंट है देखो टैक्सेबल वैल्यू ओके अब मैं अगर टैक्सेबल मैं वैल्यू अगर में आके ये ड्रॉप डाउन करता हूं और यहाँ पर मैं आता हूँ नंबर फिल्टर में तो यहाँ पे मुझे ऑप्शन आता है कि नंबर फिल्टर आपको किस बेसिस पे लगाना है इक्वल डज नॉट इक्वल ग्रेटर देन सपोज मैं आपको दिखाता हूँ ग्रेटर देन ग्रेटर देन में अगर मैं यहाँ सेलेक्ट कर लूँ कि टेन थाउजेंड टेन थाउजेंड टेन थाउजेंड से जितना भी ग्रेटर अमाउंट है वो हमें फिल्टर कर करके दो ओके okay? यहाँ मैंने ओके okay किया आप देखो जितने भी यहाँ पर फिगर आएंगे ऊपर से लेकर नीचे तक ये सब टेन से ऊपर है सपोज मैं इसका लिमिट को इनक्रीज करके ग्रेटर देन ऐसा करना फाइव ये कर दू ठीक है सॉरी फाइव लाख से बड़ा कोई फिगर है ही नहीं ग्रेटर देन मैं one lakh कर okay, देखो ये जितने भी यहां पर फिगर आएंगे ये सारे वन लाख से बड़े आ रहे ओके सो okay, so ये है हमारा टेक्स्ट फिल्टर का यूज इसमें एक और काम होता है जैसे देखो यहां पे लेस मान लो कि आपको इसमें आ, नेगेटिव फिगर खोजना है कि ये टेक्साइल वैल्यू में कोई नेगेटिव फिगर है क्या तो नेगेटिव फिगर जो होगा वो क्या होगा लेस देन होगा मैं यहाँ पर कर दूंगा लेस देन ओके देखो दो यहाँ पे नेगेटिव फिगर है राइट नेगेटिव फिगर जनरली क्रेडिट नोट का होता है तो अगर हम लोग को आइडेंटिफाई करना है सेल्स रजिस्टर में दैट क्या मीन्स uh, कितने यहाँ पे क्रेडिट नोट है तो हम लोग ऐसे माइनस वाले फिगर को फिल्टर कर सकते हैं बाय पुटिंग अ फिल्टर ऑफ लेस देन जीरो तो इसको आप यूज बहुत तरीके से कर सकते हैं यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट हम लोगों के पास ये फैसिलिटी है कि हम लोग नंबर वाइज फिल्टर लगा सकते हैं ठीक है चलो सिमिलरली यहाँ पे देखो तो बहुत ऑप्शन है लेस देन और इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू इक्वल टू टॉप टेन देखो अगर मैं ये टॉप टेन लगाता हूँ तो टॉप टेन आइटम्स को मैं चलो कर दिया ओके okay? तो ये हमारा आ रहा है टॉप टेन आइटम्स ठीक है, so this, ये फिल्टर बहुत ही काम का चीज होता है ठीक है अब और फिल्टर में फिल्टर में आप देखो ये सारा लिस्ट दिखता है कि इसमें कितने सारे फिगर्स है नीचे सपोज मान लो कि आप इसको करते हो अनचेक और यहां पर ये एक और ये एक दो सेलेक्ट करते हो यहां करते हो आप ओके देखो सिर्फ वो दो आ रहा है ठीक है तो आप ऐसे डायरेक्टली भी आप सेलेक्ट कर सकते हो ये असेंडिंग ऑर्डर है असेंडिंग ऑर्डर इन द सेंस सबसे पहले जो है वो सबसे छोटा फिगर रहेगा और उसके बाद ये बढ़ेगा छोटा से बड़ा होगा ठीक है ये देखो सबसे सबसे जो लास्ट में में होगा वो सबसे बड़ा फिगर होगा ठीक है चलो आ, फिल्टर से रिलेटेड अब देखो फिल्टर से रिलेटेड मैं आपको कुछ शॉर्टकट्स बता देता हूँ सबसे पहले मैं फिल्टर हटाता हूँ देखो फिल्टर को लगाने के लिए ऑल्ट डी एफ एफ ओके ऑल्ट डी एफ एफ मान लो कि आपको ये टैक्सेबल वैल्यू का ना ये ड्रॉप डाउन देखना है तो मैं अगर यहां पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे दिखने लगेगा बट अगर मैं शॉर्टकट कर से करना चाहता हूँ अपने अपने कीबोर्ड से तो मैं यहां पर आकर करूँगा ऑल्ट डाउन ऑल्ट प्लस डाउन ठीक है ऑल्ट प्लस डाउन मतलब ऑल्ट को प्रेस करके रहना है और डाउन और फिर मैं डाउन 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 एरो करूंगा तो ये आएगा डाउन एरो अब मैं अगर नंबर फिल्टर के राइट right जाना चाहता हूँ आप देखो यहाँ पर एक इंडिकेशन दिख रहा है कि इधर कुछ है ओके तो मैं नंबर फिल्टर पर आके राइट एरो क्लिक करूंगा तो ये मेरा ओपन हो जाएगा जो भी मुझे सेलेक्ट करना है सपोज लेस देन करना है सेलेक्ट तो मैं यहाँ के करूंगा एंटर ओके सो so, फिल्टर लगाने के लिए ऑलरेडी एफ एफ ड्रॉप डाउन देखने के लिए ऑल्ट डाउन ओके डाउन 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 अब देखो इसमें से अगर आपको कुछ अनचेक करना है तो यहाँ आके स्पेस बार स्पेस बार से अनचेक हो जाएगा और स्पेस बार से वापस ये चेक हो जाएगा ठीक है सपोज मैं यहाँ पे सेलेक्ट ऑल में अनचेक करता हूँ और फिर यहाँ पर आके इसे और इसे चेक करता हूँ मैंने कैसे किया चेक एरो की के हेल्प से मैं यहाँ डाउन आया और मैं स्पेस बार के हेल्प से इसे सेलेक्ट कर लिया एंटर प्रेस करूँगा वो दोनों हो जाएगा मैंने माउस को मूव भी नहीं किया है ठीक है अब देखो फिल्टर का ये क्राइटेरिया लगा हुआ है अगर मुझे इस क्राइटेरिया को छुड़ाना है छुड़ाना इन छुड़ाना इन द सेंस कि ये जो दो मैंने सेलेक्ट करके रखा है ना मुझे सारा करना है सेलेक्ट ठीक है तो मैं करूँगा ऑल्ट डी एफ एस ऑल्ट ऑल्टमा डी कोमा एफ एस देखो फिल्टर रिमूव हो गया मतलब क्राइटेरिया रिमूव हो गया ओके फिल्टर अभी भी लगा हुआ है क्राइटेरिया रिमूव हो गया मैं अगर ऑल्ट डाउन करके देखूँ तो देखो सारे सेलेक्टेड है राइट देखो सपोज मैं नंबर फिल्टर्स करता हूँ ग्रेटर देन फिफ्टी वन टू थ्री फिफ्टी थाउजेंड ये मैंने नंबर फिल्टर लगा दिया अब मैं ये क्राइटेरिया को छुड़ाना चाहता हूँ देखो जब भी कोई क्राइटेरिया लगा होता है ना तो उस सेल के पास ऐसा फिल्टर बना होता है और देखो ये आपको शो कर रहा है कि ग्रेटर देन फिफ्टी थाउजेंड और कहीं भी आपको ऐसा ये आ, टिप्स आपको नहीं दिख रहा है राइट दैट मीन्स इस पूरे रो में फिल्टर है और क्राइटेरिया यहाँ पर लगा हुआ है इस क्राइटेरिया को अगर हमें छुड़ाना है तो ऑलरेडी एफ एस ठीक है ये छूट गया अब मैं अगर ऑल्ट डी एफ एफ कर दूं तो ये फिल्टर हट जाएगा ठीक है ऑल्ट डी एफ एफ कर दूं तो ये फिल्टर आ जाएगा मतलब कि फिल्टर को ऐड और रिमूव करने के लिए ऑल्ट डी एफ एफ अगर मैं फिल्टर में कोई क्राइटेरिया लगा हुआ है और सिर्फ उस क्राइटेरिया को छुड़ाना है तो ऑल्ट डी एफ एस ठीक है चलो अब जब हम लोग फिल्टर कर रहे हैं डिस्कस तो दो चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके साथ करना डिस्कस सम एंड सब टोटल लिखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है सम एंड सब टोटल सम क्या होता है सर देखो मैं ये सबसे नीचे आ गया और मैं यहां पे लगाया फॉर्मूला सम का सम ठीक है सम का फॉर्मूला मैंने लगाया ऊपर किया और ये मैं सारा सेलेक्ट किया ऐसे प्रेस एंटर किया आपको लोगों को समझ आ रहा होगा होगा कि मैंने सारा कैसे किया सेलेक्ट ठीक है तो ये मेरा आ गया टोटल सम अब सपोज मैं यहां पर देख रहा हूं सिर्फ मोदी प्राइवेट लिमिटेड का मोदी प्राइवेट लिमिटेड ओके अब देखो मोदी प्राइवेट लिमिटेड को मैंने फिल्टर कर लिया है बट ये जो सम हमें दिखा रहा है ना ये पूरा का पूरा रो का दिखा रहा है ठीक है ये पूरा का पूरा रो का दिखा रहा है ये है हमारा सम ओके okay? अब देखो मैं यहां पर लगाऊंगा सब टोटल यहाँ पर मैं लगाऊंगा सब टोटल पहले मैं फिल्टर रिमूव करता हूँ डी एफ एस मैं यहाँ पर लगाऊंगा सब टोटल आप लोग सब टोटल का फॉर्मूला ध्यान से देखिए सब टोटल सब टोटल नाइन कोमा ये नाइन कोमा क्यों किए सर क्योंकि सब टोटल जो है उसमें बहुत सारे फंक्शन होते हैं और नाइन जो मतलब कि नाइन्थ नंबर पे आता है सम नाइन कोमा और मैंने ये सारा कर लिया सेलेक्ट ओके okay? अभी देखो अभी सम और सब टोटल दोनों सेम आ रहा है ओके okay? बट मैं जैसे ही किसी क्राइटेरिया पर फिल्टर लगा दूंगा ना सपोज मैंने मोदी प्राइवेट लिमिटेड कर लिया सेलेक्ट तो देखो सम जो है वो अभी भी पूरा रो का दिखा रहा है बट ये जो सब टोटल होता है ना ये सिर्फ फिल्टर का दिखाता है ठीक है तो इससे ना काफी हेल्पफुल होता है मान लो कि आपसे आपसे कोई आपके आप सीनियर पूछ रहे हैं कि आ, इस पूरे शीट में इस पूरे शीट में तुम मुझे ये बताओ कि मोदी प्राइवेट लिमिटेड का कितना अमाउंट है तो आप क्या करोगे आप एक तो यहां पर लगाए हुए सम ठीक है और आप सम के प्लेस पे सब टोटल लगाओगे जब भी आपको फिल्टर यूज करना है तो आप सम नहीं लगाओगे आप सब टोटल लगाओगे उससे आपका काम काफी इजी हो जाएगा आप यहां पर अगर मोदी प्राइवेट लिमिटेड चुनते हैं तो सब टोटल आपको फिल्टर के अकॉर्डिंग बताएगा देखो इसको मैं अगर करता हूं सेलेक्ट तो आप यहां पे देखो नीचे स्टेटस बार में सम आ रहा है फाइव लैख फिफ्टीन थाउजेंड जो हमारा यहाँ सब टोटल से मैच कर रहा है मैं कुछ और एग्जाम्पल दिखा देता हूँ कोई और जो वेंडर रिपीट हो रहा है रिपीट वेंडर्स, योगी, ग्रूप, योगी, ग्रूप, योगी योगी ग्रुप, ग्रुप, ठीक है? देखो योगी योगी ग्रुप के भी दो है मैंने इतने सारे फ़िल्टर्स चेंज कर दिए बट ये सम चेंज नहीं हो रहा है बट सब टोटल चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू माय फिल्टर ठीक है तो ये सब टोटल बहुत ही काम का चीज है आप लोग कभी भी अगर फिल्टर यूज करो तो उसके साथ सब टोटल लगाना है सम नहीं लगाना है क्योंकि सब टोटल जो होता है वो अकॉर्डिंग टू फिल्टर का क्राइटेरिया वो डायनेमिक होता है चलो सो so आप लोगों को फिल्टर पता चल गया फिल्टर का शॉर्टकट्स पता चल गया सब टोटल पता चल गया चलो मैं सम बता रहा था तो मैं एक चीज बताता हूं सम लगाने का एक शॉर्टकट होता है ऑल्ट और ऑल्ट प्लस इक्वल टू ठीक है ऑल्ट प्लस इक्वल टू आ, इक्वल टू देखो अभी मैंने ऑल्ट इक्वल टू प्रेस किया तो ये इसको हम लोग कहते हैं वो ऑटो सम कहते हैं ठीक है थीके? फिर मैं प्रेस करूँगा एंटर तो ये हमारा यहाँ पे सम आ गया एक बार मैं इसको करता हूँ डिलीट ऑल्ट इक्वल टू तो ये जितना भी इसके ऊपर होगा ना वो सारे को सेलेक्ट कर लेगा मैं एंटर कर दूँगा तो ये हमारा आ जाएगा सर सब टोटल का शॉर्टकट क्या होता है सब टोटल का शॉर्टकट नहीं आपको सब टोटल ऐसे ही लगाना पड़ेगा ठीक है सब टोटल नाइन कॉमा उसके बाद आपको जो फुल एरिया करना है सेलेक्ट वो आप सेलेक्ट कर लीजिए अब उस एरिया में जब भी फिल्टर लगेगा तो ये वैल्यू उसके अकॉर्डिंग चेंज होता जाएगा ठीक है चलो आई होप आप लोग को फिल्टर क्लियर है सम क्लियर है सब टोटल क्लियर है दोनों का यूज क्लियर है ओके ओके सो अब हम लोग मेनू वाइज प्रोसीड करेंगे होम मेनू इंसर्ट मेनू पेज लेआउट मेनू एन ऑल और उस मेनू में जो भी इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गए हम लोगों के मतलब इंपॉर्टेंट काम के दैट वी आर गोइंग टू कवर ठीक है चलो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ मैं यहाँ पर आ, दो रो इंसर्ट कर लेता हूँ ओके चलो होम मेनू में सबसे पहला है कट ये कट पेस्ट आप लोगों को आता होगा सिंपल सी बात है मैं आ, जे थ्री को किया हूँ सेलेक्ट कंट्रोल एक्स से होता है कट और मैं एल थ्री पर आकर कर दिया कंट्रोल बी दैट मीन्स पेस्ट मीन्स यहाँ से मैंने कट किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट किया ओके अब अगर ये जो मैंने कट का ऑपरेशन अभी किया था मतलब मैंने जो कट का फंक्शन यूज किया था इसे मैं अगर अंडो करना चाहता हूँ मतलब अनडन ठीक है मतलब आप समझो नलीफाई करना चाहता हूँ तो कंट्रोल जेड ठीक है अब कंट्रोल जेड का उल्टा होता है कंट्रोल वाई मतलब जिस चीज को आपने कंट्रोल जेड मान लो आपसे कभी गलती से अगर कंट्रोल जेड हो गया आप नहीं करना चाहते थे तो आपको कंट्रोल वाई कर देना है रीडो ठीक है सो कंट्रोल जेड टू अनडन और उस अनडन को अनडन करने के लिए कंट्रोल वाई दैट मीन्स रीडो ठीक है चलो सो कट आप लोगों को पता है अब उसके बाद आता है कॉपी ठीक है ये यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ समझने का है बिकॉज यहाँ पर मैं आप लोग को बताने वाला हूँ पेस्ट स्पेशल ठीक है एंड पेस्ट पेस्ट स्पेशल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है देखो इस सेल को मैं करता हूँ कॉपी कंट्रोल प्लस सी और मैं यहाँ पर आकर कर देता हूँ पेस्ट कंट्रोल प्लस वी मैंने इसे कॉपी किया था फोर्टी सिक्स थाउजेंड फाइव सेवेंटी थ्री अब इसे मैं यहाँ पे किया पे करता हूँ पेस्ट तो फिर ये फोर्टी सिक्स थाउजेंड फाइव सेवेंटी थ्री होना चाहिए ना पेस्ट ये तो ज़ीरो हुआ है पेस्ट कुछ नहीं आया यहाँ पे ऐसा इसलिए हुआ है बिकॉज आप अगर एग्जैक्टली exactly इस आ, सेल का अगर आप कॉन्टेंट देखते हो ना तो इस सेल में फोर्टी सिक्स थाउजेंड फाइव सेवेंटी थ्री नहीं लिखा हुआ है एक फार्मूला सेट है आई थ्री इन पी थ्री ओके मैंने जब इसे कॉपी किया तो वो सेल का ना पूरा कंटेंट कॉपी होता है और मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया दैट मींस ये फार्मूला जिस स्ट्रक्चर में था उस स्ट्रक्चर में ही फार्मूला यहां पर आया है मैं अगर स्ट्रक्चर की बात करूं तो आ, क्या है आई थ्री इंटू पी थ्री आई थ्री कौन है ये दैट मीन्स यहां पर फार्मूला लगा हुआ है कि इसके पहले वाला सेल इंटू पी थ्री दैट मीन्स आई जी एस टी रेट आप यहां पर भी अगर देखोगे एल थ्री में तो क्या फार्मूला आया के थ्री इंटू आर थ्री मतलब इसके पहले वाला सेल इंटू आर थ्री मतलब इधर होगा यहाँ पर आर थ्री आप अगर देखो तो एग्जैक्टली exactly जे और एल का दूरी है टू सेल्स और P एंड R का भी दूरी है टू सेल्स ओके तो मैं अगर यहां पर देखता हूं तो फार्मूला लगा हुआ है के थ्री इंटू आर थ्री मतलब के थ्री ब्लैंक इंटू आर थ्री जीरो तो आंसर तो जीरो ही होगा ना ठीक है तो मेरा कहने का मतलब था कॉपी और पेस्ट जब हम सिंपली करते हैं तो सेल का जो भी कॉन्टेंट होता है ना वो सीधा पेस्ट हो जाता है अब सर आपने बोला था पेस्ट स्पेशल तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है बहुत इंपॉर्टेंस है इसका देखो अभी मैंने किया यहाँ से कॉपी कंट्रोल सी ठीक है कंट्रोल सी और यहां पर आकर मैं कंट्रोल वी नहीं करूंगा मैं करूंगा ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस वी ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस वी और यहां पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा पेस्ट स्पेशल अब यहां पर पेस्ट स्पेशल में ना पूछता है कि आपने वहां से कॉपी तो किया बट आप पेस्ट क्या करना चाहते हो क्या ऑल सारा कुछ पेस्ट करना चाहते हो जो है अगर सारा कुछ करेंगे तो बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा पेस्ट करने पे होता है क्या आप सिर्फ फार्मूला पेस्ट करना चाहते हो या आप सिर्फ वैल्यूज पेस्ट करना चाहते हो जब आप सिर्फ वैल्यूज को पेस्ट करोगे ना ओके तो देखो यहाँ पे 46,573 आया ठीक है देखो इस सेल का कंटेंट देखो सिर्फ 46,573 है को, को, कोई कोई फार्मूला नहीं आया यहाँ ओके जबकि यहां पर फॉर्मूला है तो इस सेल के कॉन्टेंट को यहां पर कॉपी कर लिया गया ठीक है पेस्ट स्पेशल का एक ये चीज होता है कि आप आ, आपके पास ऑप्शन है कि आपने कॉपी तो किया है आपको पेस्ट और क्या करना है ठीक है मैं और कुछ मज़ेदार यूज बताता हूँ पेस्ट स्पेशल का सपोज मान लो आ, कि आपको फॉर्मेट कॉपी करना है देखो ये जो एक सेल है आईजीएसटी अमाउंट ठीक है इसके फॉर्मेटिंग में क्या है इसका जो जो आ, लेटर लिखा हुआ है वो बोल्ड है और इस सेल का कलर कुछ ग्रीन टाइप का है मैं अगर इस सेल में आऊँ तो यहाँ पर क्या है बताओ बिल्कुल वाइट है राइट तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर करूँगा कॉपी कंट्रोल सी और यहाँ पर आके करूँगा ऑल्ट कंट्रोल वी देखो फॉर्मेट्स ठीक है कि मैं उस सेल का फॉर्मेट यहाँ पर पेस्ट करना चाहता हूँ फॉर्मेट ओके देखो सिर्फ फॉर्मेट यहाँ पर हो गया पेस्ट मैं अगर यहाँ पर कुछ लिखता हूँ ऑडिटर तो देखो ये ऑलरेडी ना बोल्ड आ रहा है राइट ये ऑलरेडी बोल्ड आ रहा है बिकॉज हम लोगों ने यहाँ का फॉर्मेट कॉपी किया था यहाँ पे ठीक है तो ये मेरा ऑलरेडी बोल्ड आ रहा है इसको अब मैं कंट्रोल बी करूंगा तो ये मेरा बोल्ड हट जाएगा ठीक है देखो थोड़ा सा ये प्रोसेस प्रोसेस लिया और बोल्ड हट गया वापस से मैंने कंट्रोल बी किया तो ये बोल्ड हो गया ओके सो so आप एक सेल से कॉपी वैल्यूज को भी कर सकते हैं पेस्ट और कॉपी करने के बाद फॉर्मेट को भी कर सकते हैं पेस्ट यहां पर एक फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन है फॉर्मेट पेंटर का भी काम यही होता है देखो मैंने यहां पे अभी मैं J2 को सेलेक्ट किया हूं मैं करूंगा फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक इसके बाद मैं जहां भी जिस भी सेल पे क्लिक कर दूंगा वो सेम फॉर्मेट यहां पे पेंट हो जाएगा देखो मैं यहां करता हूं क्लिक देखो हो गया राइट इसका मतलब ये पेस्ट स्पेशल में जो फॉर्मेट वाला मैंने आपको ऑप्शन दिखाया वो फॉर्मेट पेंटर का शॉर्टकट है ठीक है वो फॉर्मेट पेंटर का शॉर्टकट है मैं आपको एक चीज दिखाता हूं हा सपोज आप ऐसा कुछ बना रहे हो पर्टिकुलर्स टैक्सेबल वैल्यू टैक्स टोटल ठीक है यह आप बना रहे हो 2020, 20, 21 के लिए ओके और इसको आपने सपोज uh, मान लो यहां वन टू थ्री फोर ओके और ये कुछ फिगर है ये आपने सम कर दिया ये पर्टिकुलर्स को हटा के ना इसको कर दो कस्टमर कस्टमर्स नेम ठीक है अमित सुमित सुमित रजत निशा ठीक है चलो ये आपने एक ये आपने एक टेबल बनाया ठीक है और इस टेबल का मान लो कि अब आप फॉर्मेटिंग कर रहे हो देखो ये मैं यहां से से एक्सपेंड कर लूंगा ओके ये मैं यहां से एक्सपेंड कर लिया और इसे मैं ऐसे किया सेलेक्ट देखो यहां पर होता है बॉर्डर का ऑप्शन ओके ऑल बॉर्डर राइट मैं इसे किया सेलेक्ट और इसे ऐसा कलर फिल कर दिया ये कर दिया ओके बोल्ड कर दिया कंट्रोल बी ओके ये आपने एक टेबल बना लिया अब आपको नेक्स्ट जो है ना वो सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना है ठीक है और नेक्स्ट ईयर का बनाना है यहाँ पे और, इसमें थोड़ा और कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स होगा डिस्काउंट टैक्सेबल वैल्यू और होगा डिस्काउंट ओके okay, उसके बाद होगा टैक्स उसके बाद होगा टोटल ठीक है ये आपको एक बनाना है आप यहां पे भी वन टू थ्री आप कर रहे थे फिर आपको याद आया कि आप ऊपर से फॉर्मेट तो कॉपी कर सकते हैं राइट तो आप इसको करेंगे देखो ये मैंने किया सेलेक्ट सेलेक्ट मैंने कैसे किया होगा कंट्रोल शिफ्ट राइट ये आपने किया कॉपी कंट्रोल प्लस सी और आपने यहाँ पे आके किया ये पूरा को सेलेक्ट करके ऑल्ट कंट्रोल वी फॉर्मेट्स फॉर्मेट्स या आप ना टी भी प्रेस कर सकते हो देखो ये जितने भी ऑप्शन के नीचे ये अंडरलाइन किया हुआ रहता है ना वो उसका शॉर्टकट कट रहता है ठीक है जैसे मैं करके दिखाता हूँ आपको ऑल्ट कंट्रोल वी एंड देन टी तो ये फॉर्मेट्स को ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेगा ओके okay. देखो ये फॉर्मेट आपको ऑलरेडी कॉपी कर दिया ठीक है सिमिलरली आप अगर ये बॉर्डर के साथ मतलब आप अगर ये बॉर्डर को भी कॉपी करना चाहते हो ना कॉपी किया आपने ये आपने सेलेक्ट किया ऑल्ट कंट्रोल वी टी एंटर तो आपका यहाँ पे बॉर्डर आ गया ठीक है तो इट विल मेक योर वर्क इजियर ठीक है चलो सो so, आप लोग को पेस्ट स्पेशल में क्या क्या समझ आया एक तो वैल्यूज और दूसरा मैंने आप लोगों को दिखाया फॉर्मेट ठीक है इसमें और भी बहुत कुछ आते हैं जैसे इसको, इसको मैं नॉर्मल कर देता हूं चलो वन मिनट ओके चलो इसके बाद एक ये इंपॉर्टेंट चीजें मैं इसे कर रहा हूं डिलीट सपोज मान लो कि मैं आपको बोलूँ कि ये जितना भी फिगर है ना इन सब को नेगेटिव बना दो ओके okay. तो आप क्या करोगे सबको एफ टू करके आगे सबसे आगे आके करोगे माइनस सबसे आगे आके करोगे माइनस ठीक है बट ये बहुत ही कम्बरसम एक्टिविटी होगा राइट right? अगर मान लो कि टेन थाउजेंड लाइन आइटम्स है तो फिर आप कितने सारे को जाकर माइनस करते रहोगे राइट right? तो आप क्या करोगे ऊपर लिखोगे माइनस वन मतलब ऊपर या इन आप इसको कहीं भी कहीं भी आप लिखोगे माइनस वन माइनस वन को कॉपी और ये सारे को सेलेक्ट ऑल्ट कंट्रोल वी पेस्ट स्पेशल मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई पे क्लिक करना है या तो एम ओके देखो ये माइनस वन इन सब को मल्टीप्लाई कर दिया ठीक है तो ये बहुत ही एक, एक बहुत ही ऑपरेशन है सिमिलरली अगर हम लोग इसको मान लो टू से करना चाहते डिवाइड टू से टू यहाँ पे लिख लो कॉपी मान लो इतना को मैं करना चाहता हूँ डिवाइड ठीक है मैं इतना को कर लिया सेलेक्ट ऑल कंट्रोल बी डिवाइड देन ओके ठीक है देखो ये सारा टू से डिवाइड हो गया ओके पहले कितना था देखो मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ कंट्रोल जेड टू लैख फिफ्टी एट थाउजेंड था कंट्रोल वाई कर रहा हूँ वन लैख ट्वेंटी नाइन थाउजेंड थ्री सेवेंटी हो गया ओके सो पेस्ट स्पेशल के हेल्प से आप किसी एक नंबर को बहुत सारे नंबर पे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो ठीक है चलो इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें आती है जैसे देखो ट्रांसपोज एक आता है ऑप्शन ये हम लोगों ने कैसे लिखा है कस्टमर नेम है फिर अमित सुमित रजत निशा ये नीचे लिखा हुआ है राइट मैं क्या करूँगा इसे पूरा सेलेक्ट करूँगा नहीं इसे पूरा ये अमित सुमित रजत को मैं सेलेक्ट करूँगा कॉपी मैं यहां पर आके करूंगा ऑल्ट कंट्रोल वी दैट मीन्स पेस्ट स्पेशल ट्रांसपोज ठीक है ट्रांसपोज ओके ये देखो ये ऐसे वर्टिकली था ये हॉर्जेंटल कॉपी हो गया ठीक है एक सेकेंड मैं अगर ऐसे करता ना ऑल्ट कंट्रोल वी ट्रांसपोज का होता है शॉर्टकट ई देखो यहां पे ई का अंडरलाइन है ई ओके okay. तो ये मेरा कस्टमर नेम ये सारा इस मोड में आ गया कभी भी अगर हम लोग को मान लो कि कोई टेबल हम लोगों ने बना लिया है और उसे हम लोगों के सीनियर कहते हैं कि इसको चेंज करो इस एक्सिस पे नहीं रखना है आपको अर्जेंटली रखना है तो इन दैट केस इट इज गोइंग टू बी वेरी इजी आपका काम काफ़ी ये कम करेगा ठीक है मैं एक बार बस पेस्ट स्पेशल का डायलॉग बॉक्स दिखाता हूँ जैसे मैंने आप लोगों को मल्टीप्लाई दिखाया डिवाइड दिखाया देखो यहाँ पे ऐड का भी ऑप्शन है सब का भी ऑप्शन है ये बहुत ही हेल्प करता है ओके ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर्स देखना मैं ये सारा सेलेक्ट किया कंट्रोल सी ठीक है कॉपी मैं यहां आकर ऑल्ट कंट्रोल वी ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर मतलब सब कुछ कॉपी करो बॉर्डर मत करो एंटर देखो एवरी थिंग गेट कॉपीड एक्सेप्ट बॉर्डर सो पेस्ट स्पेशल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अब थोड़ा सा अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप को रिलेट करोगे ना तो पेस्ट स्पेशल कैन डू वंडर फॉर यू ठीक है चलो बाकी सब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था जो मैंने आप लोगों को बताया

सिमिलरली टॉप लेफ्ट राइट नो बॉर्डर मतलब अगर मैं इसे सेलेक्ट करके कर दू नो बॉर्डर नो बॉर्डर अगर मैं कर दू तो सारा बॉर्डर हट जाएगा ठीक है ऑल बॉर्डर मतलब सारा बॉर्डर आउटसाइड बॉर्डर मतलब कि सिर्फ आउटसाइड में में रहेगा बॉर्डर लाइक like मैं इसे अगर करूं सेलेक्ट और इसमें कर दूं आउटसाइड बॉर्डर तो ये सिर्फ बाहर बाहर आ जाएगा बॉर्डर देखो ऑल बॉर्डर का एग्जांपल ये है ठीक है और आउटसाइड बॉर्डर का एग्जाम्पल ये है ठीक है तो यहां पर बहुत तरह के के रहते हैं बॉर्डर टॉप एंड थिक बॉटम बॉर्डर ये वो दिस दैट मैं आपको शॉर्टकट बताता हूं कुछ नो no बॉर्डर का शॉर्टकट होता है ऑल्ट एच बी एन ऑल्ट कोमा एच बी एन देखो देखो मेरा माउस यहां पर है ठीक है ऑल्ट एच बी एन देखो यहां से बॉर्डर हट गया ऑल्ट एच बी ए ये देखो ऑल बॉर्डर आ गया ठीक है तो ये दो मुझे याद हो गया बिकॉज कभी भी टेबल में मुझे बॉर्डर लगाना रहता है या बॉर्डर को रिमूव करना रहता है तो मैं बार बार यहाँ जाकर सेलेक्ट थोड़ा ही करूँगा कहाँ गया ऑल बॉर्डर कहाँ गया नो no बॉर्डर तो मैं क्या करता हूँ कि मैं कीबोर्ड से यहाँ पे आता हूँ इसको पूरा करता हूँ सलेक्ट ऑल्ट एच बी एन बॉर्डर खत्म ऑल्ट एच बी ए बॉर्डर आ गया ओके सो so, इस तरीके से काम फास्ट फास्ट होता है ये क्या है ये इंक्रीज फॉन्ट साइज यहाँ पे आप करोगे क्लिक तो ऑटोमेटिक आपका फॉन्ट साइज इंक्रीज होने लगेगा इससे आपका डिक्रीज होने लगेगा सिंपल सी बात है फॉन्ट साइज आप यहाँ से भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो ये है आपका सेल का कलर सेल का कलर इस सेल में आकर मैं ये प्रेस कर दूँ तो ये कलर हो जाएगा ड्रॉप डाउन में आकर ये प्रेस कर दूँ तो ये कलर हो जाएगा ठीक है और ये है मेरा फॉन्ट का कलर मतलब कि जो आप लिख रहे हो उसका कलर देखो यहाँ पे H H10 है ये राइट इसमें लिखा हुआ है टोटल मैं इसका कलर को कर देता हूँ येलो देखो चेंज हो रहा है कलर राइट मैं जैसे जैसे कर्सर को मूव कर रहा हूँ कलर चेंज हो रहा है ठीक है रेड कर दिया मैंने तो ये है मेरा फॉन्ट कलर ये है मेरा सेल कलर ओके इसमें एक और हाँ इसमें मुझे एक चीज बताना है दैट अगर मान लो कि आपने कलर कर रखा है आपको कलर रिमूव करना है तो शॉर्टकट है ऑल्ट एच एच एन ऑल्ट डबल एच एन ठीक है और मैं ऑल्ट कॉमा वाला बोल रहा हूँ ऑल्ट एच एच एन अब सर ये याद रखना क्यों इम्पोर्टेंट है मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग कोई शीट पे अगर काम करते हैं ना तो अगर हम लोग कुछ खोज रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग ना मार्क करते जाते हैं मान लो कि मुझे ये मार्क करना है कि कितने हैं यहाँ पे जो कि कर्नाटका वाले ये के फॉर कर्नाटका ओके तो मैं यहाँ पर आया के में ओके येल्लो डाउन 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 के, के के कोई और डाउन देखो ये के है, ओके येल्लो ओके okay. okay, कोई और नहीं है दो मैंने यहाँ पे मार्क किया अब मुझे इसका काम खत्म हो गया है मतलब कि देखो हम लोग मार्क करते हैं कुछ काम करते हैं शीट पे बट जब सीनियर को भेजना रहता है ना तो जितना भी हम लोग लाल पीला किए होते हैं ना शीट को ठीक है कलरिंग अगर कुछ किए होते हैं हम लोग अपने कुछ कोड के लिए या कुछ भी वर्क के लिए तो हम लोग को कलर हटाना पड़ता है तो क्या करेंगे पूरे शीट को ऐसे सेलेक्ट करेंगे ऑल्ट एच एच एन ठीक है सारा कलर हट गया ये तो बॉर्डर का कलर है इसको नहीं हटाना है ओके okay? ठीक है तो इसलिए मुझे ये याद है मतलब आप लोग को लगेगा कि सर ये तो बहुत ही सिंपल सा है यहां से आके कर दो नो फील बट जब आपको बार बार करना पड़ता है ना तो यू कैन यूज शॉर्टकट ऑल्ट एच एच एन फॉर नो कलर चलो इसके बाद इसके बाद इसके बाद इसके बाद देखिए है मेरा टॉप लाइन मैं इस पर अगर करता हूँ क्लिक तो जो भी कॉन्टेंट है ना वो टॉप अलाइन हो जाएगा मतलब कि ऊपर साइड लिखाएगा ये है मेरा सेंटर और ये है मेरा बॉटम ओके okay. ये स्टेटमेंट में दिखेगा शायद वेट मैं इस फॉन्ट का का वो बढ़ाता हूँ एक मिनट ठीक है देखो इस सेल में इतना बड़ा ये लिखा हुआ है फर्दर द दर्टर शेल ऑल्सो वाई लिस्विंग द ओपिनियन दिस दैट इसे मैं अगर अब सेंटर अलाइन करता हूँ देखो ये बीच में आ गया मैं टॉप अलाइन करता हूँ ये ऊपर चला गया ओके okay. ठीक है यही है बस देखो ये जो वन टू थ्री फोर है वन टू थ्री फोर इसे मैं इधर करूंगा अलाइन लेफ्ट लेफ्ट आ गया सेंटर राइट ठीक है चलो ये मेरा इंक्रीज डिक्रीज इंडेंट है कुछ खास नहीं है रैप टेक्स्ट देखो रैप टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है रैप टेक्स्ट क्यों इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि मान लो आ, मान लो यहां पर आप लिखे कि श्री राम चंद्र ट्रेडर्स ट्रेडर्स ओके आप यहां पर लिखे श्री रामचंद्र ट्रेडर्स और ये आपके सेल से बाहर चले गया मैंने एक चीज आपको बताया था कि यहां पर तुम डबल क्लिक करोगे तो ये सेल एडजस्ट कर लेगा बट आप ये ना इतना बड़ा सेल को नहीं करना चाहते हैं आप थोड़ा सा साइज एडजस्ट करना चाहते हैं ठीक है तो सेल है इतना छोटा सा और ये आपका बाहर निकल गया आप जब रैप टेक्स्ट कर दोगे दैट मीन्स उस सेल के अंदर ही ये एडजस्ट हो जाएगा इसके बाद आप पता है क्या करोगे उतना नहीं थोड़ा सा इसको आप बढ़ा लोगे थोड़ा सा ठीक है चलो आपके अकॉर्डिंग इतना ठीक है इससे ज्यादा नहीं या आप अगर इसको और करना चाहते हो छोटा कि नहीं ये मैं ऐसे ही रखूंगा श्री रामचंद्र ट्रेडर्स तो ये ऐसे रहेगा अब अगर ये रैप टेक्स्ट नहीं रहता ना तो आप इसको कितना भी छोटा कर लो ये ऐसे ही दिखता लंबा सा ओके रैप टेक्स्ट देखो रैप मतलब क्या होता है मोड़ के रख देना राइट तो वही रैप टेक्स्ट मतलब उस सेल के अंदर ही आप इसको समेट के रहने दे बाहर ना आने दे ओके चलो रैप टेक्स्ट हो गया अब ये है मेरा मर्ज एंड सेंटर ये भी ना फॉर्मेटिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है मैं कहता हूं कि सपोज मान लो कि आप ना कुछ क्वेरी लिख रहे हो ओके कुछ आप क्वेरी लिख रहे हो और आपको इस तरीके से लिखना है क्वेरी सीरियल नंबर है वन आ, नहीं यहां पे ईयर है सपोज ईयर ठीक है सिक्सटीन टू थाउजेंड और मान लो कि टू थाउजेंड फिफ्टीन सिक्सटीन का एक एरर है रेवेन्यू कंसिस्ट ऑफ अनबिल्ड रेवेन्यू ठीक है ये आपने लिखा दोबारा टू थाउजेंड फिफ्टीन सिक्सटीन का ही एक और है आपका ऑब्जर्वेशन द बैड डेट्स हैव बीन रिटर्न ऑफ विदाउट अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू थाउजेंड फिफ्टीन सेक्शन का ही एक और है द डिस्काउंट पॉलिसी पॉलिसी ऑफ द कंपनी इज टू Complex एंड सब्जेक्ट टू judgments. सब्जेक्ट टू judgments. ओके okay? अब देखो ये जो आपने 15, 16 का लिखा और मान लो कि ये तीन क्वेरी था अब यहां से स्टार्ट होगा 20, 16, 17. तो ये जो बार बार रिपीट हो रहा है ना ये अच्छा नहीं लग रहा है ओके okay? तो आप क्या करोगे इस तीनों को करोगे सेलेक्ट और कर दोगे मर्ज एंड सेंटर मतलब तीनों सेल को मर्ज कर देना okay. ये हो गया मेरा मर्जेंट सेंटर मतलब कि यहाँ है तो तीन सेल बी में बट ये ए में मर्ज हो गया और इसके बाद आप इसको कर दीजिए सेंटर लाइन ठीक है अब ये फार बेटर लग रहा है मैं अगर यहाँ पर लिख दूँ क्वेरीज ठीक है मैं यहाँ पर अगर डबल क्लिक करूँ तो ये एडजस्ट हो जाएगा क्वेरीज और उसके बाद यहाँ पर लिख दूँ मैनेजमेंट कमेंट्स ठीक है इसको मैं करता हूँ ऑल टैच बी ए देखो कितना फास्ट होता है क्रिएट और इसे मैं यहाँ से एक कलर डाल देता हूं ओके इसको मैं करता हूं ऑल्ट एच ओ आई शॉर्टकट से मैं एडजस्ट किया ठीक है मैं चाहता तो देखो मैं चाहता तो यहां पे डबल क्लिक भी कर सकता था बट मैं देखो क्या कर रहा हूं ऑल्ट एच ओ आई ओके इसको पूरा सेलेक्ट करके स्विफ्ट स्पेस से कंट्रोल बी ये मेरा हो गया ऐसे ठीक है तो देखो ये ज्यादा प्रेजेंटेबल लग रहा है कि फिफ्टीन सिक्सटीन का ये वन टू थ्री ओके क्वेरीज मैनेजमेंट कमेंट्स मैं इसको भी चाहूं तो बीच में कर सकता हूं कैसे सेलेक्ट करके सेंट्रल लाइन ठीक है तो एंड सेंटर जो होता है वो इस तरीके से हमारा यूज होता है ठीक है चलो हाँ एंड सेंटर हो गया उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखो ये जो होता है ना ये हमारे सेल का कंटेंट का आप समझो फॉर्मेट है ठीक है सेल के कंटेंट का फॉर्मेट है जैसे ये जो है मेरा ये क्या है बताओ नंबर है राइट ये मेरा नंबर है वन सेकेंड वन सेकेंड ये लैग कर रहा है थोड़ा सा नंबर है मेरा ठीक है इसे मैं अगर आ, अकाउंटिंग कर दूंगा तो ये मेरा अकाउंटिंग मतलब इसका अकाउंटिंग था फॉर्मेट होता है एक्सेल में कि आपका आपका कॉमा करके दिखेगा इसे मैं अगर डेट कर दूं तो एक डेट आ जाएगा आप लोग को इतना बता दूं दैट एक्सल जो है ना वो हर एक डेट को एक नंबर मांगता है ठीक है तो हर एक नंबर को आप अगर डेट में कन्वर्ट करोगे तो वो एक कोई डेट कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है चलो इसको रन नहीं देते नंबर ही ठीक है अब देखो इसमें एक चीज है मैं बताता हूं जो कि हम लोग को ना हमेशा काम आता है डॉक्यूमेंट डेट ठीक है डेट का एक फॉर्मेट होता है राइट ये आ, इस फॉर्मेट में है कि टेन मतलब डी डी और मंथ जो है वो मतलब इसमें लिखा हुआ है अल्फाबेट में लिखा हुआ है, है और ट्वेंटी वन आपको इस फॉर्मेट को अगर चेंज करना है ठीक है इन केस यू वॉन्ट टू चेंज दिस फॉर्मेट सो वॉट यू विल डू यू सेलेक्ट सेलेक्टेड फर्स्ट यू कम हियर एंड यू क्लिक ऑन शॉर्ट डेट ठीक है तो ये मेरा डेट का फॉर्मेट चेंज हो गया अब इससे अगर आप चाहोगे कि नहीं मुझे डी डी एम एम वाई वाई नहीं चाहिए मुझे और वेराइटी चाहिए एम एम डी डी वाई वाई एंड ऑल तो आप इसको सेलेक्ट करो ड्रॉप डाउन मोर नंबर फॉर्मेट्स ठीक है मोर नंबर फॉर्मेट्स यहाँ पे देखो डेट में बहुत तरह का वेरायटी दिख रहा है आपको फोर्टीन थ्री फोर्टीन मार्च फोर्टीन मार्च फोर्टीन मार्च फोर्टीन मार्च बट आप अगर ध्यान से देखो ना तो कहीं भी मतलब आपको हर जगह ना डी डी एम एम वाई वाई दिख रहा है कहीं भी आपको आ, ये नहीं दिख रहा है कि एम एम डी डी वाई वाई तो उसके लिए हम लोग ना इसको एक बार चेंज करने का ट्राई करेंगे इसमें यूके आता था इंग्लिश यूके उसमें आता था ये चीज वेट इंग्लिश ऑस्ट्रेलिया नो मेरे ऑफिस लैपटॉप में हाँ यूनाइटेड स्टेट है है यूनाइटेड स्टेट्स है देखो इसमें भी डिफरेंट फॉर्मेट है बट एम एम डी डी वाई वाई नहीं दिख रहा है वाई अभी तक नहीं दिखा है हाँ 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 इंग्लिश यू के रुको 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 था इंग्लिश यूके यूके यूनाइटेड किंगडम ओके इसमें देखो इसमें मेरा आता है 14 मार्च हम्म आ क्यों नहीं रहा यार ये आई थिंक मेरे लैपटॉप में कुछ अपडेट का इशू होगा क्योंकि मैं अपने ऑफिस वाले लैपटॉप में तो करता हूँ डी डी एम एम वाई वाई अच्छा ये आ गया क्या अच्छा एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। अच्छा हाँ देखो देखो आ, देखो ये है मेरा फोर्टींथ मार्च और ये है मेरा एम एम डी डी वाई वाई सॉरी मैं मैं कन्फ्यूज हो गया था देखो यूनाइटेड स्टेट्स इंग्लिश में मुझे दिख रहा है मैं अभी इसको ओके okay करूंगा ना यहाँ पर ध्यान दो क्या डेट टेन फोर ट्वेंटी ट्वेंटी वन मतलब टेंथ अप्रैल मैंने इसको ओके okay किया देखो ये अप्रैल आ गया आगे ठीक है तो इस तरीके से आप लोग डेट चेंज कर सकते हो ये सामने में आओगे ना तो यहाँ पर एक ही फॉर्मेट रहता है ओके तो मोर नंबर फॉर्मेट्स में जाकर यू कैन चेंज डेट लाइक दैट ठीक है मैं इसको वापस से ऐसा कर देता हूं ओके सो यही है बाकी इसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट ने इम्पॉर्टेंट नहीं है कभी भी अगर कोई फॉर्मेट ऐसा आपको दिख रहा है कि देखो अब ये जो आई जी एस टी अमाउंट है या टैक्सवल वैल्यू कभी कभी एक्सल का फॉर्मेट बिगड़ जाता है कोई आपको अगर फाइल भेजेगा तो वो अजीब सा फॉर्मेट में रहता है ठीक है तो अब ये टैक्सवल वैल्यू तो नंबर है एनी हाउ ये नंबर फॉर्मेट में ही रहेगा तो इसको आप सेलेक्ट करके पूरा यहां से आप इसको नंबर कर सकते हो ठीक है तो ये आपका नंबर में चेंज हो जाएगा चलो इसके बाद ये शॉर्टकट्स है कुछ लाइक सपोज मैंने इसको किया सेलेक्ट और मैं परसेंटेज पे क्लिक कर दूँ तो ये मेरा परसेंटेज बन जाएगा कि परसेंटेज में इसका वैल्यू क्या है ओके उसके बाद ये कोमा ये कोमा है तो बहुत ही नॉर्मल सा चीज़ मैं कह सकता हूँ इसको लगाने के बाद रुको मैं एक क्लीन शीट में दिखाता हूँ आपको देखो इन सब वैल्यू में न अभी मैं अभी ना कोमा नहीं है ठीक है मैं क्या करूँगा कि इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर क्लिक कर दूँगा तो ये मेरा इसमें मेरा कोमा आ जाएगा ओके अब आपने सर ये क्यों बोला कि कोमा बहुत इंपॉर्टेंट है कोमा इंपॉर्टेंट है मैंने इसलिए बोला बिकॉज मेरा जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहा है जितने भी आ, बड़े मैनेजमेंट होते हैं ना बड़े मैनेजमेंट इन द सेंस जो भी सीनियर होते हैं ऑफिस में उनको हमेशा ना ये कोमा में ही नंबर देखने की आदत होती है आप उनको कोई भी बड़े बड़े फिगर्स वगैरह मान लो कि ये रहा था करोड़्स में फिगर ओके तो आप इतने बड़े फिगर अगर आप विदाउट कोमा लेकर जाओगे ना मतलब आप अगर इसको सिर्फ नंबर फॉर्मेट में लेकर जाओगे ऐसे तो बहुत ही डांट पड़ेगी बिकॉज वो ये इतने बड़े फिगर को पहुंचा पहचान नहीं पाएंगे कि वो कितने कितना करोड़ सा है भाई इसको आप अगर कोमा फॉर्मेट में लेकर जाते हो तो वो तुरंत आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये कितना करोड़ है कितना है ये थ्री थ्री सिक्स थ्री नाइन थर्टी फोर करोड़ सिक्सटी फोर लैख सिक्सटी एट थाउजेंड ओके तो उन लोग उन लोगों को कोमा में देखने का ही आदत है किसको आपके सीनियर को चलो अब मैं हमेशा कोमा में चेंज करता रहता हूँ फॉर्मेट को इसीलिए मुझे इसका भी शॉर्टकट याद है ऑल्ट एच के ऑल्ट कोमा एच कोमा के देखो चेंज हो गया ठीक है अभी इन सबको सेलेक्ट करो ऑल्ट एच के ठीक है हो गया चेंज कोमा तो कोमा बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बाद मैं इसको किया हूं सेलेक्ट यह होता है डेसिमल को रिड्यूस करना डिक्रीज डेसिमल देखो डेसिमल डिक्रीज हो गया और इससे मेरा डेसिमल इंक्रीज हो जाएगा ठीक है जनरली मैं आपको बताऊं तो दो डेसिमल देखना पसंद करते हैं सीनियर्स ठीक है आप अगर कभी भी प्रेजेंट करने जाओ अंटिल एंड अनलेस वो नहीं बताए तो आपको दो दो डेसिमल रखना ये सब ये सब फॉर्मेटिंग का पार्ट है ये मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बता रहा हूँ आप अगर ऐसा कुछ टेबल को क्रिएट करके जाते हो और मान लो कि ये देखो वन टू थ्री फोर इधर सटा हुआ ये गलत है हेडिंग देखो इधर है लेफ्ट अलाइन है और कंटेंट इधर राइट अलाइन है ठीक है या तो जनरली नंबर रहता है बीच में या तो ऐसा कुछ रहता है मतलब एक सही लगना चाहिए आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप अजीब सा कुछ लेकर पहुंच गए और नंबर में तो कोमा रखना ही रखना है ओके चलो नेक्स्ट है कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के काम को बहुत ईजी करता है सो so नेक्स्ट है कंडीशनल फॉर्मेटिंग और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में बताता हूँ आप लोगों को या मेन रजिस्टर में देखो कंडीशनल फॉर्मेटिंग मतलब कि फॉर्मेट करना किसी कंडीशन के बेस्ड पे मैं मैं बताता हूँ आपको सपोज मान लो ये इन्वाइस नंबर का है लिस्ट राइट right? इस इन्वाइस नंबर में आपको ये देखना है मैंने अपने लाइव स्टैचरी ऑडिट वाले सेशन में ये किया ये किया था डिस्कस दैट आप अगर सेल्स रजिस्टर का ऑडिट कर रहे हैं तो यू वुड कीन टू नो दैट कोई इन्वास दो बार तो नहीं रिकॉर्ड हुआ है बिकॉज अगर मान लो कि सेल्स रजिस्टर में एक इन्वायस दो बार रिकॉर्ड हो जाता है दैट मीन्स सेल्स को इन्फ्लेट किया जा रहा है सेल्स को इंक्रीज किया जा रहा है राइट तो मैं क्या करूंगा इसे मैं सेलेक्ट करूंगा पूरा ठीक है सेलेक्ट मैंने कैसे किया आई रिपीट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन ठीक है पूरा सेलेक्ट हो जाएगा ऊपर से नीचे तक जहां तक कॉन्टेंट होगा अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आऊंगा हाईलाइट सेल्स रूल एंड डुप्लीकेट वैल्यूज ओके जितने भी डुप्लीकेट वैल्यूज है देखो कर रहे डुप्लीकेट वैल्यूज को लाइट रेड फील से कर दो करेंगे ओके देखो ये सब हाईलाइट हो गया राइट ये सब हाईलाइट हो गया ये सब जो है वो रिपीट हो रहा है ओके okay, अब देखो कंडीशनल फॉर्मेटिंग को और फिल्टर को दोनों को मिला के कैसे यूज करते हैं तभी मैंने फिल्टर पहले बताया था अब यहाँ पर अगर मुझे आ, मैं चाहता हूँ फिल्टर लगाने तो कैसे लगाऊंगा पहले सेलेक्ट करूंगा राइट स्विफ्ट स्पेस स्विफ्ट स्पेस से पूरा हेडिंग सेलेक्ट ऑल्ट डी एफ एफ ठीक है फिल्टर लग गया मैं यहाँ आऊँगा सबसे ऊपर आऊँगा ऑल्ट डाउन फिल्टर बाय कलर देखो ये वाला जो कलर है इसी कलर से वह डुप्लीकेट ओके इंटर देखो जितने भी डुप्लीकेट इन्वायस थे वो मेरे सामने आ चुके हैं देखो एक वन जीरो जीरो वन और वन ज़ीरो जीरो वन है ठीक है सेम इन्वाइस नंबर है बट आप अगर देखोगे तो वेंडर अलग अलग है तो ऐसा तो हो सकता है ना कि मोदी प्राइवेट लिमिटेड ने भी दिया वन जीरो जीरो वन इन्वाइस नंबर और आर बैंक ने भी दिया तो ये केस हो सकता है ये केस जनवीन है बट आप अगर यहाँ होंगे जी योगी ग्रुप ओके एंड अगेन जी बी थ्री डबल टू फोर एट योगी ग्रुप तो एक कंपनी तो एक ही इन्वाइस नंबर दो बार नहीं इशू कर सकता है इन्वाइस नंबर का भी सीरीज होता है राइट right? इसका मतलब कि ये दो बार रिकॉर्ड किया गया है ठीक है देखो डेट भी इसका सेम है तो इस तरीके से हम लोग डुप्लीकेट कोई भी आइटम हो तो उसको हाईलाइट कर सकते हो मतलब सिर्फ इन्वाइस नंबर में नहीं कहीं भी आपको अगर डुप्लीकेट वैल्यू को हाईलाइट करना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग से पता चल जाएगा अब ये जो मैंने फिल्टर लगाया है ये क्राइटेरिया को को रिमूव करने के लिए डी एफ एस ठीक है देखो छूट गया देखो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज हम लोग और भी बहुत तरीके से कर सकते हैं हाईलाइट सेल का रूल है कि सेल को हाईलाइट करेगा ग्रेटर देन ग्रेटर देन मान लो देखो ग्रेटर देन तो यहां पर ही लग गया जहां पर नंबर हो सेलेक्ट करो हाईलाइट रूल सेल्स ग्रेटर देन वन लैख ठीक है वन देखो जितने भी वन लैख से बड़ा फिगर है उसको हाईलाइट कर दिया देखो ये ट्वेंटी थ्री थाउजेंड एट एट सिक्सटी सिक्स है तो ये नहीं हुआ हाईलाइट एटी नाइन थाउजेंड फोर नाइन्टी टू है तो ये रह गया वाइट राइट बाकी सारा वन लैख से ऊपर वाला हाईलाइट हो गया अब ये जो इसमें रूल लगा है कि वन लैख से ऊपर को आप हाईलाइट कर दो इस रूल को हटाना है तो सेलेक्ट करो कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्लियर रूल्स कहाँ से क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल या क्लियर रूल फ्रॉम इंटायर शीट देखो अगर मैं सेलेक्टेड सेल करता हूं तो ये मैं जो सेलेक्ट किया था यहाँ से रूल हट गया आप देखो जो इन्वाइस नंबर पे, पे मैंने रूल लगाया था वो अभी तक है ठीक है और भाई अगर मैं करता क्लियर रूल फ्रॉम इंटायर शीट तो पूरे शीट का रूल हट जाता देखो यहाँ का भी रूल हट गया ओके सिमिलरली आप हाईलाइट सेल रूल लेस देन कर सकते हो बिटवीन इक्वल टू टेक्स्ट दैट कॉन्टेंस मतलब कि कोई ऐसा टेक्स्ट है जिसमें बार बार बैंक आ रहा है ठीक है बैंक जैसे देखो मैं इसको करता हूं सेलेक्ट कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट सेल रूल टेक्स्ट कॉन्टें बैंक ओके कर देता हूं ओके okay. देखो ये आरबीएल बैंक हो गया ना मैं अगर वेंडर देखो एक बार जब हम लोग हाईलाइट कर देते तो आप देखेंगे नहीं बार बार नीचे जाके अगर बहुत सारा डेटा होगा बहुत सारे कॉपी हो जाएंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा फिल्टर डाउन फिल्टर बाय कलर जो भी हाईलाइट हुआ होगा वो ये, ये कलर में आ रहा होगा राइट तो इसमें आके क्लिक कर देंगे एक ही बार आया आ रहा है आरबीएल बैंक ओके ऑल टी एफ एस चलो रिमूव करते हैं और क्या ऑप्शन आता है हाईलाइट सेल रूल में डुप्लीकेट वैल्यू मैंने बता दिया डेट का भी आप क्राइटेरिया लगा सकते हो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बनाने के लिए होता है यूज ओके देखो टॉप बॉटम रूल्स टॉप टेन आइटम्स टॉप टेन परसेंट मतलब आप मान लो कि इसको कर लो सेलेक्ट और यहां पर कर लो टॉप टेन परसेंट ठीक है तो जो इन सारे फिगर में टॉप टेन परसेंट है वो हाईलाइट हो जाएगा इसमें आ, इसको आप फिल्टर लगा के देख सकते हैं फिल्टर बाय कलर ठीक है मान लो आप ये डेटा अपने सीनियर के पास ले जाते हो और वो आपसे बोलते हैं कि ये टॉप टेन आइटम मुझे बताओ जैसे मान लो कि ये सप्लायर के डिफॉल्ट का लिस्ट है मतलब कि कौन कौन से ऐसे सप्लायर हैं जिसने डिफॉल्ट किया है और उनका वैल्यू कितना है ठीक है तो मैनेजमेंट जो होते है वो टॉप टेन टॉप ट्वेंटी आइटम्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं तो वो इस तरीके से आपसे मांग सकते हैं ठीक है चलो और क्या है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ये इतना ही इंपॉर्टेंट है ये डेटा बार कलर स्किल्स सब उतना रिलेवेंट नहीं है अब एवरेज इज दैट इस तरीके से आप लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग को यूज कर सकते हो ठीक है कमिंग टू द इंसर्ट इंसर्ट सेल्स रोज देखो ये जो इंसर्ट है ना ये मैंने शॉर्टकट बता रखा है आप लोगों को कंट्रोल स्पेस फिर फिर कंट्रोल शिफ्ट प्लस कंट्रोल शिफ्ट प्लस कंट्रोल माइनस कंट्रोल माइनस से ये होता जाएगा शिफ्ट स्पेस कंट्रोल शिफ्ट प्लस से इंसर्ट होता जाएगा कंट्रोल माइनस कंट्रोल माइनस से ये माइनस होता जाएगा ओके बाकी कुछ नहीं है ऑटो सम मैंने आप लोगों को बता दिया है फिल्टर मैंने आप लोगों को बता दिया है ओके अब आता है फाइंड एंड सेलेक्ट ठीक है देखो फाइंड एंड सेलेक्ट का भी, भी मैं आपको शॉर्टकट बताता हूं मान लो बहुत ही लंबी बहुत ही बड़ा था ये ये है फाइल आपको बनर्जी सप्लायर्स को खोजना है ठीक है करेंगे कंट्रोल एफ बी एन ए आर जे ई फाइंड नेक्स्ट ठीक है देखो ये ऑटोमेटिक बनर्जी सप्लायर्स पे आपका सेल लेकर चले जाएगा फाइंड नेक्स्ट फाइंड नेक्स्ट ठीक है तो जितने भी बनर्जी सप्लायर्स होंगे ना यहाँ पे ये उतने बार ये मूव करेगा जैसे मैं चलो योगी ग्रुप करता हूं सर्च योगी ग्रुप एंटर देखो एक मेरा योगी, योगी, योगी ग्रुप यहां आ रहा है एक मेरा योगी ग्रुप यहाँ आ रहा है ओके ये दो है देखो ये कर रहा है मूव एक बार यहां एक बार यहाँ एक बार यहाँ एक बार यहाँ मैं जितना बार फाइंड नेक्स्ट फाइंड नेक्स्ट कर रहा हूँ तो ओके चलो अब ये फाइंड जो है ना ये सिर्फ फाइंड ही नहीं करता ये रिप्लेस भी करता है ओके जैसे मान लो कि आपको पता चलता है कि जितना भी यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई डेली लिखा हुआ है ना डी ओके वो एक्चुअली में डेली नहीं है वो एम एच रहना चाहिए महाराष्ट्र रहना चाहिए ओके तो आप क्या करोगे आपको देखो आपको मैंने बोला कि यार ये आपने गलत लिख दिया है दहली यहाँ पे आपको रहना चाहिए एम एच एम एच तो आप क्या सब का चेंज करने जाओगे एम एच ओके यहाँ पे एम एच नहीं ठीक है शॉर्टकट से कैसे होता है आप इसको सेलेक्ट करोगे करोगे कंट्रोल एफ रिप्लेस ठीक है रिप्लेस फाइंड वॉट आपको क्या खोजना है दहली और रिप्लेस किसे करना है एम एच ठीक है रिप्लेस ऑल जितना भी आ, जो भी आपने सेलेक्ट किया ये उस एरिया में कर रहा है काम देखो ऑल डन वी में 24 रिप्लेसमेंट मीन्स 24 जगह डी था और ये एमएच हो गया देखो ये मैंने सेलेक्ट करके किया तो इस सेलेक्टेड एरिया पे ये फाइंड एंड रिप्लेस काम किया अगर मैं कुछ भी सेलेक्ट ना करूँ ओके और मैं ऐसे ही यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस कर दूँ डी एल एमएच तो ये पूरे शीट में जहाँ भी डी होगा होगा सारा चेंज हो जाएगा तो ये आप लोग ध्यान से करना कि किस एरिया में चेंज करना है उस एरिया को सेलेक्ट करके फिर फाइंड एंड रिप्लेस करना तो फाइंड जो कंट्रोल एफ करके हमें मिलता है इसका दो है एक है फाइंड एक है मेरा रिप्लेस तो ये फाइंड रिप्लेस हो जाता है ठीक है चलो मेरा होम मेनू का सारा रेलिवेंट पार्ट हो गया अब आते हैं इंसर्ट मेनू में इंसर्ट मेनू में सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है पीवर टेबल ठीक है पीवर टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही काम का चीज़ है बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीज कैसे देखो टेबल होता क्या है सबसे पहली बात मैं बना कर दिखाता हूँ <laughs> मान लो कि आपको ये जो डेटा है पूरा ठीक है इस डेटा का आपको ना प्यवर टेबल बनाना है ठीक है तो इस पूरे डेटा को पहले करेंगे सेलेक्ट फिर ऑल्ट एन वी ऑल्ट एन वी क्रिएट प्यर टेबल आ गया ठीक है मैं कर दूंगा ओके ये आपको एक न्यू शीट में लेकर जाएगा ठीक है न्यू शीट में लेकर जाएगा और जहां पर आएगा पर आएगा प्यवर टेबल फील्ड्स ये प्यवर टेबल फील्ड्स कुछ और नहीं होता है ये होता है है जो भी आपने सेलेक्ट किया है ना उसका हेडिंग्स ओके अब देखो यहां पर आपको वही सब वॉइस दिख रहा है सीरियल नंबर मंथ इन नंबर डॉक्यूमेंट डेट ठीक है सीरियल नंबर मंथ इन नंबर डॉक्यूमेंट डेट अब आप अगर यहां पर मान लो वेंडर को लाते हैं यहां पर रोज में लाते हैं रो में तो देखो ये रो में सारे वेंडर्स सा आ जाएंगे और इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि यहां पर तो वेंडर रिपीट हो रहा था ना जैसे कौन रिपीट हो रहा था मोदी प्राइवेट लिमिटेड रिपीट हो रहा था आ, योगी ग्रुप रिपीट हो रहा था बट पीवोड टेबल जो बनता है वो उसमें रिपीट नहीं होता है ठीक है उसमें क्या होगा मान लो कि ये आपने दिया यहां पे वेंडर और यहां पर आपने दिया टैक्सेबल वैल्यू वैल्यूज में यहां पर मेरा आ गया टैक्सेबल वैल्यू तो इसमें इसमें योगी कहां पे खोजो कंट्रोल एफ योगी ठीक है देखो यहां पे योगी ग्रुप का कितना आ रहा है टैक्सेबल वैल्यू इतना आ रहा है समथिंग इसको कॉमा करते हैं इलेवन लैख थर्टी वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड थर्टीन इतना आ रहा है योगी ग्रुप का मुझे भी कोमा में देखने का आदत हो गया है ठीक है आप अगर अब यहाँ मेन रजिस्टर में, में आकर मोदी ग्रुप पे आप फिल्टर लगाओगे ना सॉरी योगी ग्रुप पे तो आपको दिख रहा है कि दो लाइन आइटम है और टैक्सेबल वैल्यू को जब आप टोटल करोगे आप देखो यहाँ पे कितना आ रहा है सम स्टेटस बार में देखो नीचे उतना ही आ रहा है ना डबल थ्री वन थ्री वन थ्री वन थ्री, वन थ्री वन और मेरा पिवोट टेबल में भी उतना ही आ रहा है इसका मतलब कि पिवोट टेबल जो होता है उसमें रिपीट नहीं होते है लाइन आइटम और टोटल अमाउंट आ जाता है टोटल कितना आ रहा है ये पिवोट का पिवोट का टोटल आ रहा है तीन टेन करोड़ आ रहा है आप देखो मेन रजिस्टर में भी जो टैक्सेबल वैल्यू का टोटल होगा ना वो इतना ही होगा ठीक है ये और ये मैच कर रहा है ठीक है तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो पीवर टेबल बना है ना ये कुछ नहीं है ये इसका ही समेशन है बट आप यहाँ पे क्राइटेरिया डाल सकते हो ठीक है जैसे मैंने यहां पे क्राइटेरिया डाल दिया कि पहले मेरा यहां पे वेंडर फिर यहां टैक्सेबल वैल्यू अब मैं अगर चाहता था कि प्लेस ऑफ सप्लाई वाइज मैं बनाऊ प्लेस ऑफ सप्लाई वाइज कि महाराष्ट्र प्लेस ऑफ सप्लाई पे कितना सेल हुआ कर्नाटका में कितना सेल हुआ तो मैं क्या करूंगा देखो ये रोज है ना सी इस तरीके से हम लोग रिमूव करते हैं फील्ड रिमूव फील्ड ओके और प्लेस ऑफ सप्लाई को क्लिक करके यहां पे कर देते ट्रैक, देखो बिहार में इतना हरियाणा इतना कर्नाटका इतना महाराष्ट्र इतना पंजाब इतना ऐसे ये हम लोग को दिखाया गया इसका भी जो टोटल है वो टोटल से मैच करेगा बट टैक्सेबल वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ दिस ठीक है चलो इसमें एक, एक और मैं इंपॉर्टेंट बात बताता हूं आप लोगों को इसको रिमूव करो मान लो कि आपने आ, कैसे मैं बताऊं इसको वेंडर चलो वेंडर और आप क्या चाहते हो ना कि यहां पे वेंडर भी आए और यहाँ पे इन्वाइस नंबर भी आए ठीक है तो आप रो में क्या करोगे रो में आप डालोगे इनवाइस नंबर बट आप इन्वाइस देखो इन्वाइस नंबर जब आप डाल रहे हो तो ये वेंडर के नीचे आ जा रहा है वेंडर के सामने नहीं आ रहा है तो इसमें एक पीवर टेबल का सेटिंग होता है आप यहां पर जाके रा, राइट क्लिक करोगे फील्ड सेटिंग और इसको हाँ ये वाला आपको करना है चेक हाँ ठीक है सॉरी सॉरी देखो इसको राइट क्लिक आप करोगे फील्ड सेटिंग दिख नहीं रहा मुझे प्रॉपर ओके डिस्प्ले सब टोटल एट द टॉप ऑफ इच ग्रुप ओके ये हम कर देंगे तो देखो ये मेरा इन्वाइस नंबर इसके सामने आ गया मतलब बघेल ब्रदर्स का इनवॉइस नंबर इतना और टैक्सेबल वैल्यू इतना ओके अब आप चाहते हो कि ये हाँ हम लोग कहीं भी अगर बाहर करेंगे क्लिक तो यहां से प्योर टेबल का सेटिंग चले जाएगा जब हम लोग इस प्यवर टेबल के अंदर रहेंगे तो ये ये हमें प्योर टेबल फील्ड दिखेगा अब आप चाहते हो कि टैक्सल वैल्यू के बगल में टैक्स भी आ जाए सी भी आ जाए और एस भी आ जाए ठीक है अब देखो ये तो आया सम ये आया सम ठीक है बट ये जो है ये काउंट आया ठीक है काउंट मतलब कि ये ना नंबर को ऐड नहीं कर रहा है ये देख रहा है कि कितना पीस है ठीक है तो इसको चेंज करने के लिए बिकॉज आपको तो चाहिए सम आप यहां पे क्लिक करोगे सम ऑफ देखो काउंट ऑफ आई जी एस टी पे करोगे क्लिक वैल्यू फील्ड सेटिंग कभी कभी ऐसा हो जाता है इसको काउंट से चेंज करके करोगे सम ओके okay. देखो यहां पर भी आ गया समी एस टी ठीक है तो इस वेंडर का इत का ये इन्वाइस नंबर का ये टैक्सल वैल्यू ये आई जी एस टी अमाउंट तो ये बेस्ड ऑन योर योर क्राइटेरिया यू कैन यूज दिस पीवो टेबल ओके फर्दर क्या होता है मान लो कि देखो डेटा ये है ओके okay, डेटा ये है और इसका पिवोट टेबल ये है मतलब मैं कह सकता हूं उसका समरी ये है अब मान लो कि ये चेंज होता है आपको ऐसा लगता है कि जो बगल ब्रदर्स है ना वो गलत नाम आपने लिख दिया था बगल ब्रदर्स का नाम होता एबीसी ए बी सी ब्रदर्स ए बी सी ब्रदर्स ठीक है ये हो गया अब आप जब यहां हो तो ये ऑटोमेटिक नहीं अपडेट होगा ठीक है आपको यहां पे राइट क्लिक करके रिफ्रेश करना पड़ेगा रिफ्रेश ठीक है देखो एबीसी ब्रदर्स कहीं आ रहा होगा कहा गया बगल ब्रदर्स हट गया देखो एबीसी ब्रदर्स यहाँ पे आ रहा है ठीक है तो इसीलिए डेटा में आपका कुछ भी चेंज होता है तो अपने पीवोट को अपडेट करने के लिए आप पीवोट के एरिया में राइट क्लिक करोगे और फिर उसके बाद करोगे आप उसको रिफ्रेश या तो डेटा में ऑप्शन रहता है शायद रिफ्रेश ऑपन ठीक है डेटा मेनू में आके आप रिफ्रेश ऑल करोगे तो ये भी आपका हो जाएगा ठीक है तो आई फील ये आपका क्लियर है आप देखो पीवर्ट टेबल में इनबिल्ट यहां पर आता है फिल्टर आप यहां से मतलब कि जो भी चीज आप रो में रखते हो ना उसमें मान लो कि आप किसी एक -E में लगा सकते हो फिल्टर सी के जी ट्रेडर्स इन वॉयस नंबर दिस टैक्सल वैल्यू दिस सी जी एस टी दिस एस जी एस टी दिस यहां पर जो भी ये रो में में रहता है ना रो में इसके लिए इनबिल्ट आता है फिल्टर ओके बाकी आप चाहो तो सपोज मान लो कि प्लेस ऑफ सप्लाई को आपने डाल दिया यहाँ पे फिल्टर में तो ये ऊपर एक ना फिल्टर आ जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए मतलब नीचे तो चलो आपने इतना कुछ लगाया बट अगर मैं ये प्लेस ऑफ सप्लाई में फिल्टर कुछ लगा देता हूं ठीक है सेलेक्ट मल्टीपल आइटम आप करोगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा मान लो मैंने लिया कर्नाटका और महाराष्ट्र ओके तो ये सब जो दिखेगा ये कर्नाटका और महाराष्ट्र का ही आपको दिख रहा है ठीक है तो पीवर्ट टेबल के हेल्प से हम लोग एक बड़े से डेटा का समरी बना सकते हैं किसी के भी बेसिस पे इन वॉइस नंबर वाइज आपको देखना है कितना टैक्स है सप्लायर वाइज देखना है आपको कितना टैक्सेबल वैल्यू है आपको प्लेस ऑफ सप्लाई वाइज देखना है तो वो आपका आराम से मतलब बेस्ट ऑन योर और रिक्वायरमेंट वो आपका बन जाएगा ठीक है चलो पीवोट टेबल हो गया उसके बाद इंसर्ट ये सब इंपॉर्टेंट ये पिक्चर्स वगैरह इंसर्ट करें स्मार्ट आर्ट बच्चों वाला चीज़ है ये ये ग्राफ ग्राफ वगैरह भी मतलब आप कि देखो जैसे ये टैक्सेबल वैल्यू और आई जी एस टी अमाउंट को मैं करता हूं सेलेक्ट आ, इतना करता हूं सेलेक्ट ठीक है और उसके बाद मैं चार्ट पे आऊंगा ना ऐसे ये ये वाला चार्ट मान लो किया सेलेक्ट तो देखो ये मेरा इस तरीके का बन के आ जाएगा ठीक है ये स्पेसिफिक कस्टमाइज रिक्वायरमेंट है कोई बड़ी बात नहीं है देखो इसके ये स्टाइल इसका चेंज होगा दैट बस ठीक है एक्सेल वैल्यू इतना है आई जी एस टी इतना है सीरीज वन सीरीज टू बस और कुछ नहीं है पीवोर्ड चार्टरल टाइम लाइन नॉट इम्पोर्टेंट हेडर एंड फूटर ना वर्ड आर्ट आप लोग को पता है वो बच्चों वाला खेलने वाला चीज है इक्वेशन सिंबल ठीक है तो इंसर्ट मेनू में पीवर्ड टेबल ही सीखना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था ठीक है और पीवोर्ड टेबल बहुत हेल्प करता है चलो पेज लेआउट पेज लेआउट में ये मार्जिन एडजस्टमेंट होता है एक तो ये कुछ ऑलरेडी सेट मार्जिन होते हैं कस्टम मार्जिन में आप अगर जाओगे तो ये आपको टॉप लेफ्ट बॉटम ये जो मैं आप लोग को रिज्यूमे रिव्यू करते टाइम बोलता हूँ ना बॉटम टॉप को कम करने को वो एमएस वर्ड में भी ऐसा ऑप्शन आता है तो यही मैं बोलता हूँ कि इसको ऐसे 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 कम करने को ठीक है चलो ओरिएंटेशन ये आप लोग को पता है पोर्ट्रेट देखना है या लैंडस्केप देखना है पेज ब्रेक्स देखो ये ग्रिड लाइन्स इंपॉर्टेंट होता है ये खाली शीट में दिखेगा देखो ग्रिड लाइन्स इंपॉर्टेंट होता है ग्रिड लाइन्स को मैं अनचेक कर दूंगा ना ग्रिड लाइन्स को मैं चेक कर दूंगा तो देखो ये हो गया मेरा वाइट राइट right? ये जो मेरा बैकग्राउंड है ग्रिड लाइन्स को मैं करूंगा व्यू तो ये मेरा आ जाएगा यहाँ पे मैंने क्यों बोला इंपॉर्टेंट है बिकॉज कभी भी आप अगर ऐसा टेबल लेकर जाते हो ना तो ग्रिड ग्रिडलाइंस को हटा देना प्रेजेंटेबल लगता है बहुत ही ठीक है मतलब ये ऑब्वियसली अभी ये गंदा लग रहा है बहुत सारा चीज है बट सपोज मान लो कि आप एक ऐसा टेबल लेकर जा रहे हो ऐसा टेबल लेकर आप अगर जा रहे हो ठीक है तो ग्रिड लाइन्स हटा हुआ होना चाहिए ठीक है हेडिंग्स को अगर मैं हटा दू हेडिंग्स मतलब ये ठीक है ये नहीं हटना चाहिए कभी कभी हम लोग से गलती से कुछ प्रेस हो जाता है और वो हेडिंग्स हट जाता है तो सब लोग परेशान हो जाते हैं कि वो कहाँ गया ओके <laughs> okay, तो ये ग्रिडलाइंस और हेडिंग्स यही होता है मतलब इसका ध्यान रखने का कभी भी कुछ प्रेजेंट कर रहे हो कोई अगर मैं अच्छा सा टेबल वगैरह बनाया हो तो ग्रिडलाइंस हटा देने का ओके okay? चलो फार्मूलाज में कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है मतलब इम्पोर्टेंट तो है बट हम लोग के यूज़ का नहीं है वो चीज़ हम लोग देख लेंगे सेपरेटली फार्मूला डेटा मेनू में फिल्टर आता है फिल्टर हम लोगों ने सीख चुका है रिफ्रेश uh, ऑल ये चीज है uh, हम लोगों ने देखा ये पीवर्ड को रिफ्रेश करने के लिए इम्पोर्टेंट ये टेक्स्ट टू कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है टेक्स्ट टू कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है क्या करता है टेक्स्ट टू कॉलम सर मैं बताता हूँ यहां पर दो तीन रो इंसर्ट कर रहा हूँ देखो ये मेरा जीएसटीएन नंबर है ओके okay? आप लोग को पता है कि जीएसटी नंबर का जो पहला दो रहता है फिगर वो रहता है स्टेट कोड और लास्ट का जो तीन रहता है वो ऐसे अलॉट किया हुआ रहता है जो जीएसटीएन और बीच का जो टेन रहता है ना ये ये, ये रहता है पैन नंबर राइट अब मान लो इतने सारे जीएसटी आई एन है और आपको इससे पैन नंबर बीच का सेपरेट करना है ओके मैं कहता हूं कि मान लो कि आपके पास आ, सप्लायर का जीएसटीएन नंबर है और आपको उसका पैन नंबर चाहिए तो आप बार बार तो अपने सप्लायर को या अपने कस्टमर को किसी को भी अपने क्लाइंट को परेशान तो नहीं करोगे अपना पैन नंबर दे दो राइट आपके पास जीएसटीएन नंबर आप उससे फिगर आउट कर सकते हैं पैन नंबर कैसे Text to column, fixed कॉलम okay next अब जहां से आपको कट करना है ना वो सेलेक्ट करना है देखो पहला जो दो फिगर है वो मुझे करना है कट कर, और लास्ट के जो तीन फिगर है वो मुझे करना है कट ओके नेक्स्ट फिनिश ओके देखो ये पहला दो यहां रह गया लास्ट का तीन यहां रह गया और बीच का जो मेरा टेन फिगर बचा वही मेरा पैन नंबर होगा राइट right? तो कहने का मतलब कि कभी भी अगर आपको ऐसा डेटा मिलता है जहां पे फिक्स विथ पे कुछ है जिसको आप सेपरेट कर दोगे तो आपको कुछ मिल जाएगा इन्फॉर्मेटिव तो यू कैन यूज टेक्स्ट टू कॉलम्स ओके अब आप लोगों ने एक और चीज यहाँ पे देखा होगा उसका डेटा बट रेडी नहीं है डीलिमिटेड मतलब आ, मैं कैसे दिखाऊं रुको मान लो कि मैं ऐसा करता हूं रुको इसको इसको मैं कंट्रोल जेड कर देता हूं ठीक है मान लो कि सबको मैं थर्ड के बाद में कोमा डाल देता हूं ठीक है ये मैं F2 कर रहा हूं F2 करने से सेल एडिट होने लगता है और कर्सर मान ला के ऐसे कर दे रहा हूं ठीक है अब इसको मैं सेलेक्ट करूंगा टेक्स्ट टू कॉलम डीलिमिटेड देखो यहां पे एक्सप्लेन किया हुआ है करेक्टर सजेस्ट कोमास और टैब सेपरेट इच फील्ड ओके करूंगा नेक्स्ट और इसके बाद सेलेक्ट करूंगा कोमा ओके okay, कि जहां जहां कोमा है उसको आप सेपरेट कर दो नेक्स्ट फिनिश ओके देखो जहां से कोमा था वहां से सेपरेट हो गया तो कोमा देखो वहां पर कितना ऑप्शन था मैं दिखाता हूं कोमा को आप सेपरेट कर सकते हो कोमा को सेपरेट कर सकते हो सेमी कॉलन को सेपरेट कर सकते हो कहीं पर अगर स्पेस है अननेसेसरी ठीक है तो उसको भी आप मतलब जहां पे स्पेस है ना वहां से रिमूव कर सकते हो ठीक है चलो इसके बाद इसके बाद रिमूव डुप्लीकेट्स ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिमूव डुप्लीकेट्स मतलब मान लो कि ये कितना है टोटल इन्वाइस नंबर हम लोगों ने देखा था इसमें कुछ डुप्लीकेट है राइट कंडीशनल फॉर्मेटिंग ये देखो ये कितना आ रहा है अकाउंट फिफ्टी वन फिफ्टी वन आप चाहते हो कि जितने भी डुप्लीकेट्स है मैं रिमूव कर दूँ ठीक है या मान लो कि आपसे बोला जाता है कि जीएसटी नंबर आप मुझे जितने भी सेल्स रेस्टर में जी नंबर आ रहा है वो आप मुझे दो ठीक है अब आपको पता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ नंबर रिपीट हो रहे होंगे ठीक है तो आप इसको करोगे पूरा कॉपी दूसरे शीट में जाकर करोगे पेस्ट ठीक है मैंने वैल्यू पेस्ट किया है पेस्ट करोगे अब आप क्या चाहते हो कि मैं इससे ना जितने भी डुप्लीकेट उसको हटा दूं और बाकी मैं शेयर करूं तो मैं शॉर्टकट बता रहा हूं ऑल्ट ए एम टैब टैब ओके ठीक है, था है कि 15 डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड फाउंड एंड रिमूव 36 यूनिक वैल्यू रिमेनिंग अब इसमें कोई भी डुप्लीकेट नहीं है मैंने क्या किया एक्चुअली मैंने कुछ नहीं किया मैंने किया रिमूव डुप्लीकेट्स ओके ठीक है ओके okay. बस यही किया इसी का जो शॉर्टकट है वो ऑल्ट ए एम ठीक है और या तो आप सीधा ओके कर दो या तो आप टैब टैब करोगे तो ये ओके पे आ जाएगा एंटर ओके okay. तो इस तरीके से किया जाता है रिमूव डुप्लीकेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कभी भी कुछ आपको ऐसा डेटा हो जहां पे डुप्लीकेट आइटम्स आ रहे हैं तो आपको वहां से आप डु, डुप्लीकेट्स को रिमूव कर सकते हो चलो नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताने वाला हूं टू मेक अ लिस्ट ठीक है टू मेक अ लिस्ट लिस्ट मतलब सर मान लो यहां लिखा हुआ इन क्रेडिट नोट डेबिट नोट ठीक है invoice, note, note, आप क्या करोगे आ, आप इसको सेलेक्ट करोगे वेक्टर को आप यहां पर आके सपोज कि, कि यहां पे आपको ना सेल में एक इनबिल्ट लिस्ट बनाना है यहां पे तो यहां पर आके आप करोगे डेटा वैलिडेशन डेटा वैलिडेशन उसके बाद आप यहां पे अलाव में सर्च सेलेक्ट करोगे लिस्ट ठीक है सोर्स में आप यहां क्लिक करोगे और इस तीनों को सेलेक्ट कर लोगे ओके सेलेक्ट कर लिया एंटर ओके अब देखो यहां पर देखो एक ड्रॉप डाउन बन जाएगा मतलब यहां पे ये यह तीन आ गया क्रेडिट नोट आप करोगे तो यहाँ पे क्रेडिट नोट ऑटोमेटिक लिखा जाएगा इसको आप इन्वाइस करोगे तो ये इन्वाइस ऑटोमेटिक लिखा जाएगा इसको आप डेबिट नोट करोगे तो ये डेबिट नोट ऑटोमेटिकली लिखा जाएगा ओके ये ना एरर को मतलब कि एलिमिनेट करने के लिए इस तरीके से किया जाता है बिकॉज क्या है कि आप अगर खुद से टाइप करोगे तो मे भी आपसे मिस्टेक हो सकता है और अगर आपको एक सेल में कुछ डिफाइंड है ऐसा कंटेंट जो कि आपको डालना है तो आप उस सेल में ऐसा डेटा वैलिडेशन करके आप वो सारे सेल में ऐसे क्रिएट कर सकते हो जैसे अभी तो मैंने एक में किया ओके मान लेते हैं कि ये मेरा मेन रजिस्टर है यहां पे लिखा हुआ नहीं है ठीक है बट आपको पता है कि ये सारे में या तो कोई इन्वॉइस होगा कोई क्रेडिट नोट होगा या तो कोई डेबिट नोट होगा तो आप क्या करोगे इस मान लो इतना है रजिस्टर यहां पे आके डेटा वैलिडेशन डेटा वैलिडेशन लिस्ट करोगे सेलेक्ट सोर्स करोगे सेलेक्ट वहां पे जाकर ये तीन में से कोई एक होगा एंटर ओके okay. मतलब आप देखो ये सारे सारे सेल में एक ही आ गया इन मान लो ये मेरा क्रेडिट नोट है मान लो ये मेरा डेबिट नोट है अब आपको कहोगे सर ये बार बार यहां आएंगे क्या तो नहीं ऑल्ट डाउन करने से ड्रॉप डाउन होता है जो मैंने फिल्टर में बताया था ऑल्ट डाउन देखो मैं माउस नहीं कर रहा हूं मूव ऑल्ट डाउन इन ऑल्ट डाउन डेबिट नोट ऑल्ट डाउन और इन पे आके एंटर ओके okay. ऐसे करना है सो डेटा वैलिडेशन भी हो गया चलो फिर आते रिव्यू मेनू में यहां भी कुछ हम लोग के लिए खास नहीं है प्रोटेक्ट शीट एक चीज होता है मैं देखो प्रोटेक्ट शीट में आओगे आ, इसका मतलब कि आप इस शीट को प्रोटेक्ट कर रहे हो पासवर्ड से ओके पासवर्ड माइ मैंने डाला वन टू थ्री ओके और आप मतलब पासवर्ड के बावजूद कुछ कुछ चीजें आप अलाउ करना चाहते हो तो कर सकते हैं जैसे देखो यहां पे दो चीज अलाउ है कि जो भी लॉक्ड सेल है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो और अनलॉक्ड सेल को भी सेलेक्ट कर सकते हो आप कर दो तो, ओके रे पासवर्ड वन टू थ्री ओके अब देखो ये शीट में लगा है लॉक तो मैं यहां आऊंगा ना मैं यहां पर कुछ भी लिख सकता हूं ठीक है मैंने यहां पर लिख दिया सुशील ओके बट मैं इस मेन रजिस्टर में आके अगर मैं कुछ लिखना चाहूँ देखो सेलेक्ट करूंगा तो होगा सेल क्योंकि सेलेक्ट करना अलाउ था कुछ अगर मैं लिखना चाहूंगा तो बोल रहा है द सेल यू आर ट्राइंग टू चेंज इज प्रोटेक्टेड दिस दैट ओके ऐसा तब होता है जब हम लोग कहीं क्लाइंट के पास भेजते हैं या तो कहीं भी हम लोग ऐसा डेटा भेज रहे हैं और आ, उनको हमें कुछ एक दो शीट को या पूरे वर्कबुक को प्रोटेक्ट करके भेजना है ताकि कोई चेंज ना कर पाए मैंने अनप्रोटेक्ट कर दिया है बात करते करते आप लोगों को पता होगा तो प्रोटेक्ट शीट मतलब सिर्फ ये शीट ये शीट मेन रजिस्टर जो है वर्क शीट प्रोटेक्ट हो जाएंगे पूरा का पूरा का वर्कबुक प्रोटेक्ट हो जाएगा ओके कमिंग टू मेनू व्यू ये वही है ग्रेड लाइन्स हटाना फार्मूला बार हटाना देखो ये ये है ना फॉर्मूला बार इसको अनचेक कर दोगे तो हट जाएगा ठीक है अदर देन दिस फ्रिज पेन भी इसमें भी एक चीज़ हेल्पफुल होता है, है देखो इसको मैं टॉप रो में कर देता हूँ ये सेलेक्ट करके डिलीट ठीक है ये टॉप रो में आ गया इसको सेलेक्ट करके फ्रिज पेन में फ्रीज टॉप रो ओके देखो तो क्या होता है ना कि जब बहुत ज़्यादा डिटेल रहता है तो रुको मैं एक कॉर कंट्रोल जेड कर रहा हूँ ठीक है मतलब वो फ्रीज करने के पहले जब बहुत ज़्यादा रहता है डिटेल तो आप देखो ऐसे आ गए नीचे बट आपको ये दिख नहीं रहा है कि ये इसका हेडिंग क्या था राइट बट आप अगर इसको फ्रीज टॉप रो कर देते हैं ना फ्रीज टॉप रो इसके बाद आप नीचे करोगे तो देखो पेज कितना भी स्क्रॉल हो रहा है ना ये टॉप रो आपका फ्रीज हो गया है तो आपको हमेशा हेडिंग दिखेगा कि ये प्लेस ऑफ सप्लाई है ये टैक्सल वैल्यू है जैसे कि इतने सारे वैल्यूज़ रहते हैं बीच में डिस्काउंट लेबर से, दिस डैट बहुत सारी चीज़ रहते हैं तो आपको समझ नहीं आएगा कि कौन सा फिगर टैक्स है कौन सा फिगर टैक्सल वैल्यू है बट वही आप कितना भी नीचे स्क्रॉल कर लो अगर आपका ये फ्रीज हो जाता है तो डेट वो एक एक अच्छा मतलब कि आपको प्रेजेंटेबल एज वेल एज इन्फॉर्मेटिव बनता है ठीक है सो चलो सारे मेन्यूज में हम लोगों ने इंपॉर्टेंट uh, से इंपॉर्टेंट चीज देख लिया ओके okay? अब हम लोग कुछ फॉर्मूलाज को कवर करेंगे और एक बार फिर से सारे शॉर्टकट को रिवाइज करेंगे और फिर हम लोग इस वीडियो को कंक्लूड करेंगे ओके सो फॉर्मूला में हम लोग अब देखते हैं सबसे पहले वी लुकअप ठीक है मैंने यहाँ पे टैब बना रखा है वी लुकअप वी लुकअप में हम लोग क्या करते हैं ना कि किसी एक फिगर के करस्पॉन्डिंग मतलब देखो इन नंबर के सामने ये क्या डॉक्यूमेंट डेट इतना वेंडर ये है जीएसटी ये है प्लेस ऑफ सप्लाई है टैक्सल वैल्यू ये है तो मैं कह सकता हूँ कि इन नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग ये सब फिगर है ठीक है अब ये इन नंबर अगर कहीं पर लिखा हुआ है कहीं किसी दूसरे शीट में या किसी दूसरे वर्कबुक में और आप चाहते हो कि इसके स्पॉन्डिंग कोई जो आपका आ, कुछ कंटेंट है वो आप वहाँ पर कॉपी करो जैसे मान लो कि इन्वायस नंबर लिखा हुआ है आप चाहते हो कि उसके सामने वेंडर नंबर आ जाए वेंडर नेम आ जाए तो वो आप कर सकते हो वी लुकअप का मैंने यहाँ पे टैब बना रखा है मैंने इन नंबर और डेट को यहाँ पर एंटर किया है कुछ इन्वाइस नंबर लिया मैंने और यहाँ पर सप्लायर नेम लिखा है तो मैं क्या चाहता हूँ कि ये मेन रजिस्टर से यहाँ इन्वायस नंबर है यहाँ सप्लायर नेम है राइट वेंडर नेम मैं चाहता हूँ कि इस इन्वायस नंबर के रिस्पेक्ट में जितने भी यहाँ पे इन्वायस नंबर है जो भी वहाँ पे सप्लायर नेम है वो यहाँ पे आ जाए तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा समझना इक्वल टू वी लुकअप वी लुकअप टैब मतलब वी देखो सबसे पहले देना है लुकअप वैल्यू मतलब आप क्या देख रहे हो मैं ये देख रहा हूँ वी लुकअप दिस कोमा वेयर जहां पे आप देख रहे हो वहां पे आना है ठीक है इन नंबर पर क्लिक करना है और शिफ्ट राइट 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 कहाँ पर आ गया वेंडर आना है ठीक है वेंडर तक आएंगे अब यहां पर ना आता है वन आर इंटू फोर सी तो इस फोर को याद रखना है फोर सी मतलब कि फोर कॉलम फोर्थ कॉलम इन से फोर्थ कॉलम और इसको कंट्रोल सेफ्ट डाउन मतलब कि ये पूरा सेलेक्ट कर लेना है सेलेक्ट करने के बाद एफ प्रेस करना है F4 हम लोग प्रेस करते हैं लॉक करने के लिए फार्मूला बार देखना फार्मूला बार मैं F4 प्रेस करने जा रहा हूँ F4 मैंने प्रेस किया वहाँ पे लॉक लग गया ओके बहुत जगह आपको वी लुकअप में बताया जाएगा ये लॉक नहीं लगाने लॉक का काम सेपरेटली करने बट बेटर होता होता है लॉक लगा देने को मुझे पता है लॉक लगाने या नहीं लगाने का लॉजिक बट इस मैटर पे पता नहीं मेरा एक्सल से क्या है कि मुझे आ, अभी तक ये समझ नहीं आया कि मैं कभी कभी लॉक नहीं लगाता हूँ तो गलत हो जाता है लॉक लगाता हूँ तो सही हो जाता है तो मैं बेटर है कि मैं लॉक लगा कर नहीं करता हूँ ठीक है अब कोमा ठीक है कोमा के बाद आपको डालना है कॉलम इंडेक्स नंबर तो कॉलम इंडेक्स नंबर वही है जो मैंने आपको दिखाया था फोर फोर कोमा जीरो ये लास्ट में हमेशा जीरो रखना है मतलब अप्रोक्सीट अप्रोक्सीमेट मैच एंटर देखो ये जो इन्वायस नंबर थे उसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे सप्लायर ने में है यादव एंड एंड एसोसिएट्स ओके अब क्या करो इसको करो कंट्रोल सी यहां पर आओ इसके हेल्प से आओ नीचे कंट्रोल डाउन यहां पर आके कंट्रोल शिफ्ट अप पूरा सेलेक्ट करके कंट्रोल वी मतलब आपने इस फॉर्मूला को यहां सारे में कॉपी पेस्ट कर दिया सारे में कॉपी पेस्ट कर दिया इसका मतलब देखो इस फॉर्मूला का मतलब क्या था वी लुकअप दिस देयर और सिमिलरली इस फॉर्मूला का मतलब वी लुकअप दिस देयर तो मेरा कहने का मतलब कि मैं अगर एक फार्मूला को यहां से डाउन करता हूं ना कॉपी तो यह फार्मूला अगर इसको करस्पॉन्ड ले रहा था तो ये फार्मूला उसके नीचे वाले को लेता है उसके नीचे वाला उसके नीचे वाले को लेता है ठीक है चलो अब अभी मैं ये बता रहा हूँ आप लोगों को तो मैं साथ साथ एक और चीज़ बता देता हूँ वी लुकअप से रिलेटेड नहीं है ठीक है बट मैं आप लोगों को बता देता हूँ सपोज आपने यहाँ पे लिखा है टेन थाउजेंड सपोज आपने यहाँ पे लिखा है हंड्रेड थाउजेंड ओके यहाँ पे ट्वेंटी फाइव है थर्टी फोर है ये है ये है ओके अब आप यहाँ पर क्या चाह रहे हो यहाँ पे आप चाह रहे हो कि 25 फाइव इंटू थाउजेंड करने को 34 फोर इंटू थाउजेंड करने को 21 वन इंटू थाउजेंड करने को तो सपोज आपने यहाँ पे किया इक्वल टू 25 फाइव इंटू थाउजेंड कितना आ गया 25,000 अब आप कहोगे कि सर मैं ये फार्मूला को यहाँ तक अगर मैं कॉपी पेस्ट कर दूँ तो ये जितना भी चीज लिखा हुआ है इससे थाउजेंड मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉपी सेलेक्ट करके पेस्ट थर्टी फोर इंटू थाउजेंड होना चाहिए थर्टी फोर थाउजेंड यह तो जीरो हो गया क्यों मैंने क्या बोला कि देखो ये ट्वेंटी फाइव थाउजेंड का अगर मैं फार्मूला चेक करूँ तो फार्मूला क्या है ट्वेंटी फाइव इंटू थाउजेंड इस फार्मूला को जब आप नीचे कॉपी करोगे ना तो ये हो जाएगा थर्टी फोर इंटू थाउजेंड के नीचे क्या है जीरो उसको करोगे नीचे नीचे तो ट्वेंटी वन इंटू जीरो ठीक है तो ये मतलब कि फार्मूला जो है ना ये मूव करता है तो यहां पर मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ लॉक करना ठीक है लॉक मतलब आप क्या चाहते हो कि ये मैं अगर इस यहां से मैं अगर यहां से इसको कॉपी करूं नीचे तो ये तो मूव करे बट ये ना मूव करे क्यों क्योंकि नेक्स्ट मुझे 34 को इंटू करना है बट इससे 21 को इंटू करना है बट इससे इससे नहीं इससे नहीं, इस नहीं ओके तो ये जो थाउजेंड है ना कितना है आई है राइट आई के बीच में जाकर हम कर देंगे सॉरी यहां पर जाके मैं कर दूंगा एफ फोर के बगल में जाकर मैं कर दूंगा एफ फोर देखो वो लॉक हो गया अब करूंगा इंटर अब इस फॉर्मूला को जब आप पेस्ट करोगे ना तो देखो ये इंटू रहा है इसको अगर मैं अब ये फार्मूला देखूं देखो ये इंटू ये ठीक है ये इंटू ये मैं एक बार यहां पे विदाउट लॉक वाला फार्मूला लगाकर दिखा देता हूं कि लॉक और विदाउट लॉक वाले फार्मूला में क्या अंतर है मैं इसको कॉपी करूंगा देखो इस फॉर्मूला को, को अगर मैं देखूँ तो ये कहा था ट्वेंटी वन इंटू दिस बट यहाँ पे जो ये ट्वेंटी वन थाउजेंड है हम लोगों ने, ने क्या किया था थाउजेंड को लॉक कर दिया था इसीलिए आप देखना ये हो गया ऐसा ही ओके okay? तो ये आप लोग इस तरीके से ध्यान रखना हम लोग कभी ऐसा नहीं कर देना कि पूरा का पूरा पेस्ट कर दिया और पता चला कि वहाँ पर वैल्यू आया ही नहीं और आपको लगा कि आ गया होगा ठीक है तो ये बात लॉक का ध्यान रखना चलो हम लोग वी लुकअप देख रहे थे अब सप्लायर नेम आ गया अब मैं चाहता हूँ कि हूँ यहाँ पे जी एस लाने अगेन वी लुकअप वी लुकअप इन वॉइस नंबर कॉमा मैं यहाँ मेन रजिस्टर में आता हूँ इन वॉइस नंबर राइट 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 जी मैं जी एस टी एन तक आ गया यह है यह है फिफ्थ कॉलम फिफ्थ कॉलम, कॉलम फाइव सी ओके पूरा से, सेलेक्ट कर लिया प्रेस किया एफ फोर वहाँ पे लॉक हो गया कॉमा फाइव कॉमा जीरो एंटर ठीक है आ, एक सेकेंड देखो यहाँ पर ये वैल्यू नहीं आया ठीक है मैं देखता हूँ इसको कॉपी करता हूँ फिर से हाँ इसके अकॉर्डिंग कहना है कि सी वी टू फाइव एट सेवन फाइव टू के सामने कोई भी जीएसटी नंबर है ही नहीं ऐसा कहना है उसका चलो चेक करते हैं इसको मैं यहाँ से करूँगा कॉपी मैं यहाँ पे जाऊँगा और इसको लगाऊंगा फिल्टर ठीक है ऑलरेडी एफ एफ और फिल्टर में मैं चेक करूंगा इसको पेस्ट कर दिया उनको इस इनवॉइस नंबर को पेस्ट कर दिया होना तो चाहिए जीएसटीएन नंबर क्योंकि सबका जीएसटीएन नंबर है देखो जीएसटी नंबर तो है बट आई डोंट नो ये क्यों नहीं आया मैं एक बार फिर से लगाता हूँ वी लुकअप ठीक है कुछ मिस्टेक हुआ होगा वी लुकअप वी लुकअप दिस कॉमा इनवॉइस नंबर में लॉक कॉमा फाइव कॉमा जीरो देखो आ गया वो बोला ना मैंने मैं पता नहीं वी लुकअप से अपना कुछ अलग ही है तो मैं, मैं यहाँ से करके पूरे फार्मूला को वापस से कॉपी कर दिया तो ये इन सारे इन्वाइस नंबर के रेस्पेक्ट में यहाँ पे जीएसटी आए ना आ गए ठीक है तो ये हमारा वी लुकअप का होता है यूज़ ओके चलो वी लुकअप हो गया अब मैं एक चीज बताता हूँ आप लोग को कांगकेट नेट क्या नाम है इसका कॉन्केटनेट कॉन्केटनेट जो होता है वो दो वैल्यू को जोड़ देता है ठीक है सपोज आप चाहते हो कि आप जी एस आई नंबर कॉमा और वेंडर का नाम इसको जोड़ दे ठीक है तो कॉन्केटनेट करके जी एस आई नंबर कॉमा वेंडर एंटर देखो ये क्या हो गया ये जी एस आई नंबर से जुड़ गया अब इसको मैं कॉपी करके जितना भी मेरा डेटा है उस सारे डेटा में मैं पेस्ट कर दूँ तो देखो ये सारा ऐड हो गया ओके क्या हुआ ऐड ये जीएसटीएन नंबर और ये यादव एंड एसोसिएट्स ओके तो कभी भी ऐसा आपको कुछ भी कंबाइन करना हो तो आप कॉन्केटनेट से कंबाइन कर सकते हो अब कॉन्केटनेट में क्या होता है कि सपोज आप जीएसटीएन नंबर और इसे कंबाइन किए तो इस दोनों के बीच में ना स्पेस नहीं आता है ठीक है तो कॉन्केटनेट का एक और ऑल्टरनेटिव है मैं दिखाता हूँ सिंपल सा फॉर्मूला होता है इक्वल टू जीएसटी आर नंबर एंड का साइन देंगे ओके एंड स्पेस इनवर्टेड डबल इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट स्पेस डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज एंड स्पेस मोदी प्राइवेट लिमिटेड ओके एंटर तो देखो यहां पर जीएसटी नंबर और मोदी प्राइवेट लिमिटेड के बीच में देखो स्पेस है ये पता है क्यों हुआ मैं इसका फॉर्मुला दिखाता हूँ जे थ्री तो जे थ्री मतलब जीएसटीआर नंबर और इन्वर्टेड कोमा के बीच में जो ये स्पेस दिया है ना आपने ये वही स्पेस है ठीक है ये जो इन्वर्टेड कोमा के बीच में स्पेस दिया है ये स्पेस एंड जी थ्री मतलब J3 थ्री एंड स्पेस एंड जी थ्री ओके एंटर आप करोगे तो आपको यहाँ पर स्पेस मिलेगा इसको भी अगर आप कॉपी साइड में आके कंट्रोल डाउन सबसे नीचे आके कंट्रोल शिफ्ट अप ताकि सारा सेलेक्ट हो जाए ऊपर तक कंट्रोल भी तो देखो ये सब में आएगा बट यहाँ पे गैप रहेगा यहाँ पे एक स्पेस रहेगा ठीक है अब इसको यूज हम लोग एक और तरीके से कर सकते हैं सपोज मान लो कि आपको क्या लग रहा है कि मैं क्या करूँ जीएसटीएन एन एंड इन्वर्टेड कोमा डैश कर दूँ ठीक है इन्वर्टेड कोमा क्लोज एंड मोदी प्राइवेट लिमिटेड देखो यह क्या हो गया जीएसटी एन नंबर और बी, बीच में एक डैश आ रहा है और फिर सप्लायर का नाम सिमिलरली हम लोग दूसरों के लिए भी कॉपी कर सकते हैं ठीक है सो so, इस तरीके से हम लोग कॉन्केटनेट करते हैं यूज कॉन्केटनेट में आ, साथ साथ रहेगा आ, साथ साथ कंबाइन हो जाएगा प्लस हम लोग अगर एंड करके करते हैं तो हम लोग बीच में स्पेस या कुछ भी और इंसर्ट कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कॉन्केटनेट भी जो है मैं आपको अभी थेरेटिकली बता देता हूँ कि वी लुकअप करने में ही यूज़ होता है वी लुकअप में आप लोगों ने देखा कि हम लोग क्या देखते हैं बताओ हम लोग देखते हैं कि इन्वाइस नंबर अगर यहाँ पे है और किसी शीट में इन्वाइस नंबर है तो उसके उसके करस्पॉन्डिंग का कोई भी डेटा हम लोग यहाँ पर मंगा सकते हैं यहाँ पर हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं राइट right? ठीक है तो ये जो क्राइटेरिया होता है ना कि नहीं चलो इन्वाइस नंबर है मैं एक बात आपसे कहता हूँ मान लो कि यहाँ पे रहता वन ज़ीरो ज़ीरो वन ठीक है क्या वन जीरो ज़ीरो वन कोई और सप्लायर नहीं कर सकता था इशू बताओ कर सकता है राइट right? तो उस केस में यहाँ पे गलत सप्लायर नेम आ जाएगा अगर आप वी लुकअप सिर्फ इनवाइस नंबर के क्राइटेरिया पे करो बट ऐसा बहुत ही रेयर होगा ऐसा बहुत ही रेयर होगा कि आ, दो सप्लायर एक इनवाइस नंबर एक ही डेट पे इशू करे ठीक है तो उस केस में मैं पता है क्या बोला जाएगा कि हम लोग को सप्लायर नेम जो यहाँ पे लाना था और जी जो जो लाना था वो सिर्फ इनवाइस नंबर के बेसिस पे ना लाया जाए आप क्या करो यहाँ पे इन नंबर और इन डेट को कॉन्केटनेट करो ठीक है कॉन्केटनेट करो ठीक है और यहाँ पर मेन रजिस्टर में भी जहां से हम लोग को को लाना है डिटेल्स यहाँ पर भी यहाँ पे चलो कॉन्केटनेट करते हैं कॉन्केटनेट इन नंबर कोमा डॉक्यूमेंट डेट ओके okay, यहाँ पे हम लोगों ने डेटा वैलिडेशन ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि देखो यहां पर हम लोगों ने लिस्ट क्रिएट कर रखा है चलो कॉन्केट नेट यहां पर करते हैं कॉन्केट नेट इन नंबर एंड डॉक्यूमेंट डेट ठीक है तो ये मेरा ये मेरा आ गया ठीक है ये ऐसे क्यों आ रहा है डेट आना चाहिए ना चलो एक्चुअली ये जो जो डेट है ना ये कंबाइन हो नंबर के फॉर्म में आ रहा है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं बट आप लोग समझ रहे होंगे कि ये इनवॉइस नंबर और डेट ये दोनों कम्बाइन हो गया यहां पे भी कम्बाइन हो गया और यहाँ पे भी हम लोगों ने कम्बाइन कर दिया अब हम लोग वी लुकअप लगाएंगे अब हम लोग सप्लायर नेम इसके बेसिस पे लगाएंगे वी लुकअप, कि वी लुकअप दिस कोमा जहां से मुझे देखना है कहाँ से इस वी लुकअप के सामने चलो जी एस टी एन लेकर जाते हैं थर्ड नंबर कॉलम एफ फोर कोमा थ्री कोमा जीरो ओके तो ये वहां पे आ जाएगा ठीक है ये थोड़ा सा कुछ डिफरेंस होगा तभी नहीं हो रहा है मेरा कहने का मतलब ये था कि कॉन्केटनेट से हम लोग दो क्राइटेरिया को कंबाइन करते हैं अगर वी लुकअप सिंगल क्राइटेरिया के बेसिस पे कुछ लूप होल वगैरह हम लोगों को दे रहा होगा तो ठीक है वी लुकअप और कॉन्केटनेट समझ में आ गया नेक्स्ट हम लोग समझेंगे काउंटिफ काउंटिफ में क्या होता है कि किसी स्पेसिफिक क्राइटेरिया के बेसिस पे हम लोग ना काउंट करते हैं कि वो कितना पीस है ठीक है ये सब मैं हटा देता हूँ थोड़ा सा खराब लग रहा है सीट ओके इसको भी हटाओ चलो आ, आप अगर जैसे मैंने बोला था ना कि इन्वाइस नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए राइट तो अगर इन्वाइस नंबर अगर आपको मतलब देखना है जैसे एक तो मैंने चलो कंडीशनल फॉर्मेटिंग बताया था ठीक है आपको अगर ये भी देखना है कि कितनी बार मतलब एक इन्वाइस नंबर रिपीट हो रहा है तो आप यहाँ करोगे काउंट इफ टैब रेंज सेलेक्ट करना है ठीक है ये मैंने रेंज सेलेक्ट कर लिया इतना रेंज ठीक है कॉमा क्राइटेरिया क्राइटेरिया क्या है क्राइटेरिया क्राइटेरिया मेरा इन्वाइस नंबर ही है तो ये जो पहला इन्वाइस नंबर है मतलब डी ट्वेंटी फोर देखो डी ट्वेंटी फोर में मैं में अभी मेरा सेल है मैं करूँगा एंटर ओके यार है वन इसको मैं कॉपी करके कर, कर दूँगा सबसे नीचे तक ऊपर ओ, ओ, भी था क्या डेटा शिट रुको यार मैं यहां लगाता हूँ इफ काउंट इफ दिस रेंज कॉमा दिस इन्स नंबर इज क्राइटेरिया ठीक है पहला जो इन्वाइस नंबर है मैं वहां पर कर करा डी थ्री में एंटर ये कहता है ये दो पीस है मैं ये पूरे में करता हूँ पेस्ट ठीक है अब किसी में टू आया किसी में आया वन दिस दैट ये वो चलो मैं अब यहां से फिल्टर ओपन करूंगा और देखता हूं हूँ कि कुछ तो इन्वायस नंबर वन है कुछ टू है मैं देखना चाहता हूं कि टू कौन सा है देखो दूसरे फार्मूला के साथ दूसरे फंक्शन के साथ फ़िल्टर कितना ज़्यादा यूज़ हो रहा है मैं टू पे करूंगा करूंगा ओके okay. देखो ये जो वन ज़ीरो जीरो वन है ये दो बार आ रहा है ये दो बार आ रहा है ये दो बार आ रहा है ओके तो इस तरीके से काउंटिव होता है यूज़ हम लोग काउंट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं देखो वन जीरो जीरो वन आ रहा है ना ये ठीक है ये यहाँ पे आ रहा है वन यहाँ पे आ रहा है टू सेकेंड टाइम ठीक है चलो काउंट इफ हो गया अब इसी तरीके से करते हैं समीफ समीफ का मैंने सेपरेट एक टैब बनाया है मान लो मान लो कि यहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई है और प्लेस ऑफ सप्लाई वाइज आपको टैक्सेबल वैल्यू यहां पर लाना है ओके तो आप क्या करोगे और आपको पता है कि यहाँ पे मेन रजिस्टर में ना प्लेस ऑफ सप्लाई है उसके सामने एजी एस टी अमाउंट है टैक्सेबल वैल्यू एंड ऑल तो आप टैक्सेबल वैल्यू में फॉर्मुल लगाओगे सम इफ कॉमा सो फॉर्मूला टैब रेंज पूछ रहा है रेंज आपको रखना है रेंज हमें ये देखना है राइट right? कि प्लेस और सप्लाई में ये सारे कोमा नेक्स्ट पूछ रहा है क्राइटेरिया क्राइटेरिया रखना है ये कि उस रेंज में हमें ये देखना है कि डीएल कहाँ कहाँ पे आ रहा है कोमा नाउ सम रेंज कि सम किसका करना है सम हमें करना है इसका टैक्सेबल वैल्यू का ओके okay? एंटर दैली नाम का टैक्सेबल वैल्यू जीरो है मैं इस फार्मूला को कॉपी करता हूँ सब जगह ठीक है यह फार्मूला कहता है कि दैली नाम का प्लेस ऑफ सप्लाई कोई है ही नहीं वहां पे कर्नाटका जो है उसका फाइव नाइन नाइन थ्री जीरो टू है चलो इसको चेक करते हैं कि कर्नाटका का टैक्सेबल वैल्यू फाइव नाइन नाइन थ्री ज़ीरो टू है या नहीं कर्नाटका ओके ये देखो इसे मैं मैं इस दोनों को करता हूँ सेलेक्ट यहाँ देखो स्टेटस बार में नीचे फाइव नाइन नाइन थ्री जीरो टू राइट अब उसने कहा था कि दिल्ली है ही नहीं राइट एक बार सर्च करता हूँ कि दिल्ली नहीं है क्या नहीं है दिल्ली डीएल नहीं है ओके यहाँ पर देखो लिस्ट में दिख भी नहीं रहा है कहीं डीएल इसीलिए वहाँ पे ज़ीरो आया है आप देख रहे हो दूसरे फंक्शन के साथ आ, फिल्टर का कितना यूज़ हो रहा है ओके सो ये फ़िल्टर बस सुनने में ऐसा लगता है कि आ, सिर्फ ये टेकआउट करता है, है कुछ स्पेसिफिक कंटेंट को बट इसका यूज बहुत है फिल्टर बाय कलर टेक्स्ट फिल्टर शॉर्ट बाय कलर ए टू जेड जेड टू ए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है ओके सो so, समफ समझ आ गया देखो हम लोगों ने कुछ नहीं किया हम लोगों ने किया समफ कोमा रेंज कि हमें इस रेंज का ध्यान रखना है कोमा क्राइटेरिया क्या होगा क्राइटेरिया होगा ये पहला ठीक है उसके बाद सम रेंज में वो टैक्सीबल वैल्यू को लेना है जब हम एंटर करेंगे तो हमारा ये आएगा ठीक है और देखो जब हम लोग ऐसा करते हैं ना कि इसको आ, इसको मतलब कि ये ये फॉर्मूला हम लोग बना के जब नीचे कॉपी पेस्ट कर दिए जब नीचे कॉपी पेस्ट कर दिए तो देखो ये इस तरीके से ले रहा है राइट वो जो मैंने आप लोगों को बताया था कि फॉर्मूला फॉर्मूला मूव होता है सेल बाय सेल राइट सेम ओके सो विद समीफ हमारा हो गया है अब बस दो छोटे छोटे फॉर्मूला देखेंगे और फिर हम लोग इसको समराइज करके खत्म करेंगे देखो एक फार्मूला होता है लेन ठीक है उससे ना लेंथ पता चलता है अब ये लेंथ फार्मूला का क्या रिलेवेंस है देखो आ, ये हम लोग ना वैलिडेशन का, का काम करते हैं इससे मान लो कि जी एस टी एन नंबर कितने डिजिट का होता है फिफ्टीन पैन नंबर कितने डिजिट का होता है टेन राइट right? तो मान लो कि आपको चेक करना है ओवरऑल ऊपर ऊपर से चेक करना है कि ये जितने भी जी एस टी एन नंबर है ये सही है कि नहीं राइट right? तो मैं यहाँ करूँगा इक्वल टू लेन एलियन कोमा ये जी एस टी एन नंबर सेलेक्ट करके एंटर ओके okay? दिखा रहा है कि इसमें फिफ्टीन डिजिट है लेंथ काउंट कर रहा है इसको कॉपी करके मैं पूरे में पेस्ट कर दिया ठीक है अब इस फिल्टर से देखते हैं कि सारा फिफ्टीन है या देखो एक आ रहा है ट्वेल्व तो हमको उस डाउट होगा कि ये गलत है राइट ये मेरा गलत है इसको मैं मार्क कर दूंगा कि ये मेरा इनवैलिड है ओके सो लेंथ का ये काम होता है इसके अलावा मैं आप लोग को एक शॉर्टकट बताता हूं कंट्रोल डी कंट्रोल डी जब हम करते हैं ना तो जस्ट ऊपर में जो भी कंटेंट रहता है वो नीचे कॉपी हो जाता है इंक्लूडिंग फॉर्मेट देखो अभी अभी मैं करूँ कंट्रोल डी तो ये अगेन हो गया कंट्रोल आर से जो इधर लेफ्ट साइड रहता है वो कॉपी हो जाता है देखो मैं यहाँ पर आके कंट्रोल आर कर रहा हूँ तो ये जो मेरा फॉर्मूला था ये कॉपी हो गया यहाँ पर ठीक है देखो मैंने बोला कंट्रोल आर करूँगा तो ये कॉन्टेंट कॉपी होगा जो इस सेल में है ठीक है और इस सेल में ये फार्मूला है सम का तो वो सेम फार्मूला यहाँ पे लग गया ठीक है आप इस फार्मूला को यहाँ पर भी इस तरीके से सिंपल कंट्रोल सी और कंट्रोल वी भी, भी कर सकते हो ओके तो कभी भी कुछ अगर ऐसा लिखा हुआ है मान लो कि यहाँ पर लिखा हुआ है एस ई टी लिखा हुआ है सेट ठीक है इसको आपको यहाँ पर लाना है तो कंट्रोल आर आप करोगे तो ये सेट हो जाएगा यहाँ पे ओके सिमिलरली देखो और मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि ये हमेशा कंटेंट कॉपी कर रहा है ठीक है दैट्स वाई यहाँ पे मैंने जब कंट्रोल आर किया था तो ये बगल वाले का फॉर्मूला कॉपी किया था कंट्रोल डी ऊपर से कॉपी करने के लिए कंट्रोल आर साइड से कॉपी करने के लिए ओके इसके अलावा एफ फोर हम से ना ऑपरेशन रिपीट होता है जैसे मान लो कि आपने अभी इसको मान लो मार्क किया था ठीक है येल्लो इसके बाद आप यहाँ है, मतलब कि जिस भी क्राइटेरिया पे आप मार्क कर रहे हो आप इसको भी भी कर दिए येल्लो अब ये बार बार यहाँ के यहाँ पे प्रेस करना है बार बार यहाँ यहाँ पे करना प्रेस इससे बेटर है कि अब मैं देखो यहां से हटा रहा हूं माउस मैं अपने कर्सर को यहां रख रहा हूं मान लो कि अब आपको ये देव एसोसिएट्स को भी करना है ना तो सिंपली आपको F4 प्रेस करना है तो पिछला जो ऑपरेशन है वो रिपीट हो जाएगा F4 F4 ओके okay? सो so F4 प्रेस करने से पिछला जो ऑपरेशन होता है वो मेरा रिपीट हो जाता है ठीक है चलो अब मैं अगर इससे पूरा कलर को हटाना चाहूं तो मैंने क्या बताया था पूरा सेलेक्ट करके ऑल्ट एच एच एन हट गया ठीक है नो no कलर चलो कुछ और आ, बात बताना आप लोग को देखो ये सब टैब होता है राइट ये एक टैब है ये पूरा का पूरा एक एक्सेल शीट है ये एक टैब है ये एक टैब है या इसको हम लोग शीट भी कहते हैं शीट अगर इंसर्ट करना हो शिफ्ट प्लस एफ इलेवन ठीक है शिफ्ट प्लस एफ इलेवन शीट इंसर्ट हो जाएगा ओके शिफ्ट प्लस एफ इलेवन देखो शीट इंसर्ट होता जा रहा है अब अगर शीट को डिलीट करना है तो ऑल्ट एच डी एस इंटर ठीक है ऑल्ट एच डी एस इंटर ऑल्ट एच डी एस हो जा रहा है डिलीट ठीक है मेरा ये आई थिंक टू थाउजेंड सिक्सटीन का है एक्सेल ऑल्ट एच डी एस करने से ही डिलीट हो जा रहा है मुझे अपने ऑफिस के लैपटॉप में एंटर करना पड़ता है डोंट नो ठीक है तो मैंने क्या बताया शिफ्ट एफ इलेवन से इंसर्ट न्यू शीट ऑल्ट एच डी एस से शीट को डिलीट करना शीट को रीनेम करना जैसे देखो ये है शीट थ्री इसका मैं नाम रखना चाहता हूं पी alt ऑल्ट एच ओ आर देखो वो हो गया एडिटेबल बोर्ड में मैं यहां टाइप कर दूंगा पी इंटर ठीक है ऑल्ट एच ओ आर से टू रीनेम दीट एच ओ आर आर फॉर रीनेम ऑल्ट एच ओ एम ठीक है मूव और कॉपी और शीट ठीक है मान लो कि आपको इस शीट को कॉपी करके किसी दूसरे फाइल में ले जाना है या कोई ऑल टुगेदर न्यू उस पर ले जाना है तो आप इसको ना पहले क्रिएट और कॉपी पे क्लिक कर लेना अदरवाइज यहां से हट के वो चले जाएगा क्रिएट और कॉपी न्यू बुक ओके ओके देखो ये एक मेरा सेपरेट बुक में आ गया वो राइट right? सिमिलरली आप चाहो तो किसी एक शीट को ना एक कॉपी बना के यहां पर भी रख सकते हो ऑल्ट एच ओ एम ऑल्ट एच ओ एम क्रिएट अ कॉपी और देखो ये मतलब कि ये सेम शीट में भी बोल रहा है कि टू बुक कौन से बुक में और ये देखो टैप ऑन एम एस इस बुक का ही नाम है तो मैं कर देता हूं कि पी के पहले कर दो ओके okay. देखो एक यहां पे मेन रजिस्टर टू आ गया पी के पहले राइट right? तो आप इस शीट में भी कॉपी कर सकते हो आप किसी दूसरे शीट में भी कॉपी कर सकते हो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग मान लो एक फाइल में कर रहे हैं वर्क ठीक है और दूसरे फाइल में हमें कुछ वर्किंग वगैरह का काम मैं वहाँ कर रहा हूँ अब उस फाइल को उस शीट को मुझे इस मेन शीट में लाना है तो वहाँ पे ऑल्ट एच ओ एम करके कॉपी करके यहाँ पे ले आएंगे ठीक है अब मैं इसको करता हूँ डिलीट ऑल्ट एच डी एस एंटर ओके देखो अभी मुझे एंटर करना पड़ा उस समय नहीं करना पड़ रहा था पता नहीं ओके तो मैंने शीट इंसर्ट करना डिलीट करना रिनेम करना मूव करना ये बता दिया ठीक है और क्या शॉर्टकट में बचता है ऑल्ट एच ओ आई से सेल का साइज एडजस्ट हो जाएगा ठीक है ऑल्ट एच के से कोमा लग जाएगा ये सब तो बता दिया मैंने इसके अलावा मुझे एक चीज बताना था आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान से देखना ठीक है इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा ध्यान से देखना रुको पहले मैं क्या करता हूँ आरबीएल बैंक को एक दो जगह कॉपी कर देता हूँ ठीक है ठीक है अब मैं आर बी एल बैंक को ना फिल्टर करता हूँ आर बी एल बैंक देखो आर बी एल बैंक इतना जगह आ रहा है बट डोंट यू थिंक ये सिर्फ फिल्टर लगाने के कारण ये साथ में आ रहा है एक्चुअल में तो ये सब दूर दूर है ना देखो मैं फिल्टर हटाता हूँ एक आर बी एल बैंक यहाँ है एक यहाँ है एक यहाँ है ये सब तो आ, मतलब कि कॉन्जिव सेल्स में नहीं है राइट right? तो इसीलिए एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि अगर आप कुछ फिल्टर लगाते हो ना तो आप यहाँ पे देखो सेल रेफरेंस वर्टिकल ये है सिक्स ये है एट यह इलेवन यह यह फोर्टीन मतलब अगर आप यहाँ पर आओ तो सेल का नाम क्या दिख रहा है जी सिक्स जी सिक्स के नीचे क्या होना चाहिए जी सेवन बट क्या आ रहा है देखो जी एट क्या आ रहा है जी इलेवन मतलब उसके बीच में भी कुछ और है बट फिल्टर लगाने के कारण ये सा, ये साथ दिख रहा है अब जब भी कोई फिल्टर में क्राइटेरिया लगा है और आप चाहते हो सपोज मान लो कि आपको बोला गया कि आर बैंक का जितने भी आर बैंक है सबका प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो वेस्ट बंगाल है ठीक है डब्ल्यू डब्ल्यू बी ओके तो आपने क्या किया एक बार लिखा डब्ल्यू बी और मान लो कि ये बहुत लंबा लिस्ट है ठीक है और आप क्या चाहोगे कि मैं इसको कॉपी करूं और मैं यहां सबसे नीचे आके और ये सेलेक्ट करके पेस्ट कर दूं राइट बट आप अगर ऐसे करके पेस्ट करते हो ना तो ये क्या होगा कि देखो इन सब के बीच में तो यहां पे कुछ कुछ सेल्स छुपा हुआ है देखो सिक्स और एट के बीच में सेवन एट और इलेवन और के बीच में नाइन एंड टेन राइट तो अगर आप ये सीधा कॉपी पेस्ट कर दोगे तो सब में पेस्ट हो जाएगा बट आपको सिर्फ फिल्टर्ड वाले सेल में करना है पेस्ट तो पता है क्या करोगे कॉपी तो किया यहां से ठीक सबसे नीचे इसको सेलेक्ट करके ऑल्ट सेमी कॉलन एक बात ध्यान देखना जैसे मैंने ऑल्ट सेमी कॉलन करूंगा तो ये हाईलाइट हो जाएगा मैं फिर से करता हूं सेलेक्ट किया ध्यान देना ऑल्ट सेमी कॉलन देखा ये, ये ये हो गया सेलेक्ट राइट right? तो ये जो सेलेक्ट हुआ मतलब कि सिर्फ फिल्टर्ड सेल यहाँ पे सेलेक्ट हुआ अब मैं करूंगा कंट्रोल वी तो ये जो W बी हुआ है ना कॉपी सॉरी ये यहां भी हो गया कॉपी यार सॉरी प्लेस ऑफ सप्लाई ठीक है फॉर्मेट में कर रहा हूं यहां पेस्ट ओके तो ये जो ऑल्ट सेमिकॉलन करने के बाद हुआ ये सिर्फ फिल्टर्ड वाले में हुआ ये इस बात का ध्यान रखिएगा कितनी बार हम लोग बड़े बड़े सीट में करते हैं ऑल्ट सेमीकॉलन करना जहां भूले कि गलती से हर जगह पेस्ट हो गया फिर आप फिल्टर ओपन करोगे तो आप ट्रैक नहीं कर पाओगे कि आपसे मिस्टेक कहाँ कहाँ हुआ है और आपको फिर से शीट पे काम करना पड़ेगा ठीक है तो ये फिल्टर के साथ कुछ भी अगर कॉपी पेस्ट करना है तो दिस थिंग यू नीड टू तो कीप इन योर माइंड ओके चलो ये चीज हो गया न सी एक्सल में वर्क करते टाइम ना लिंकिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है ठीक है लिंकिंग क्या होता है सर वन मिनट लिंकिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है मैं कहता हूं सपोज सपोज आप एक समरी बना रहे हो मैं न्यू टैब इंसर्ट करता हूँ सपोज आप एक समरी बना रहे हो हाँ ग्रिड लाइन्स को रिमूव करने का शॉर्टकट होता है ऑल्ट डब्ल्यू वी जी ठीक है जैसे मैंने अभी किया ऑल्ट डब्ल्यू वी जी मान लो कि आपने आप यहाँ पे एक समरी बना रहे हो पर्टिकुलर्स यह आपका अमाउंट ठीक है आप यहां पर लिखते हो सेल्स आप यहां पर लिखते हो परचेज परचेजेज यहां पर लिखते हो एक्सपेंसेस ओके अब आप यहां पे ना सेल्स का फिगर लाना चाहते हो और, और हम लोगों का ये जो मेन रजिस्टर था ये मानते हैं कि ये मेरा सेल्स रजिस्टर था तो इस सेल्स रजिस्टर का टोटल कितना हो रहा है इसको हटाओ यार सेल्स रजिस्टर का टोटल कितना हो रहा है कुछ वन जीरो वन जीरो जीरो सेवन टू थ्री जीरो टू एट ठीक है ठीक है मैं क्या करूंगा इसको कॉपी करूंगा और यहां पर लाके सेल्स के सामने अमाउंट में पे पेस्ट कर दूंगा बट पेस्ट करूंगा वैल्यू ठीक है क्योंकि वहां पे फॉर्मूला है मैं अगर सिर्फ कंट्रोल वी करूँ तो देखो यहां पे कुछ नहीं आएगा रेफरेंस ठीक है अल्ट कंट्रोल वी करता हूँ और फिर वैल्यू करता हूँ पेस्ट तो वो फिगर आया देखो कभी अगर फिगर बड़ा होता है और सेल छोटा होता है ना तो ऐसे हैश हैश बन जाता है तो आप यहाँ पे डबल डबल क्लिक कर सकते हो या ऑल्ट एच ओ आई करना है ठीक है शॉर्टकट तो ये मेरा यहाँ आ गया ठीक है मान लो कि परचेज का भी मेरा कुछ फिगर आ गया और मेरा एक्सपेंस का भी कुछ फिगर आ गया ठीक है बट ऐसे आप जब प्रेजेंट करने जाओगे ऐसे आप अगर अपने सीनियर को दिखाओगे तो उनको कुछ समझ नहीं आएगा वो कहेंगे कि ये सेल्स का फिगर कहाँ से आ रहा है ठीक है तो यहीं पर हम लोग करते हैं लिंकिंग मैं कहता हूँ कि सेल्स का हमारे पास बैकअप है राइट right? तो यहां पर हम अमाउंट में करेंगे इक्वल टू मेन रजिस्टर पर जाएंगे और यहां पर क्लिक कर देंगे ठीक है एंटर तो ये जो है ना ये अब मेरा वहां से लिंक हो गया आप देखो अब यहां पर मैं कर रहा हूं क्लिक तो इसका फॉर्मूला बार में दिख रहा है कि मेन रजिस्टर का मेन रजिस्टर जो टैब है उसका जे फिफ्टी फाइव सेल का ये रेफरेंस है ठीक है इसको हम लोग कहते हैं सेल रेफरेंस अब आपके सीनियर जब यहां पर आए ठीक है वो देख रहे हैं कि कुछ रेफरेंस दिया हुआ है तो रेफरेंस को ये ओपन बताया कैसे करेंगे इस सेल के पास आके प्रेस करेंगे वो कंट्रोल प्लस ब्रैकेट ओपन की ब्रैकेट ओपन की पी के बगल में होता है पी के राइट में तो देखो ये वो यहां पर आ जाएंगे अब ये च, ये चाहते हैं वापस वहां समरी में जाने तो एफ फाइव एंटर मतलब लिंक ओपन करने के लिए कि कहाँ पर लिंक है कंट्रोल ब्रैकेट ओपन और वापस से समरी पे जाने के लिए F5 फाइव एंटर ओके सो so, लिंकिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है मैं कहता हूं कि कोई भी फिगर अगर एक फिगर बैलेंस शीट में या कोई भी कुछ भी अक्सल में में सच बन रहा है तो उसका जो बैकअप है उससे उसको लिंक करके ही हमें दिखाना है इस तरीके से नहीं दिखाना है कहाँ से आ रहा है भाई ये सेल ये अमाउंट कहाँ से आ रहा है किसी को किसी को, को, को कोई एड्रेस नहीं राइट बट हाँ अगर उसका बैकअप है तो मुझे वो बैकअप से लिंक करके ही दिखाना है मैं अगर सीनियर के पास प्रेजेंट करने जा रहा हूँ तो मैं ऐसे वैल्यू पेस्ट करके नहीं जाऊंगा ओके चलो ये था लिंकिंग अब चलो सबसे लास्ट पार्ट पे फाइल मेनू में तो आप लोग को पता है न्यू होता है न्यू मतलब कंट्रोल एन न्यू आप अगर प्रेस करोगे तो एक न्यू शीट ओपन हो जाएगा ओपन से वो, आप फाइल ओपन करते हो ठीक है सेव मतलब सेव कर लेना सेव एज मतलब इसी शीट को किसी और नेम से सेव करना प्रिंट में मैं कुछ आप लोगों को बताना चाहता हूँ देखो जब भी कोई बड़ा साइज का होता है ना इतना बड़ा हमारा ये सेल्स रजिस्टर है बट ये जीएसटी तक ही आ रहा है आप लोग प्रिंट रिव्यू देखो राइट तो इसको सेट हम लोग कैसे करते हैं सबसे तो पहली बात जो बहुत ही चौड़ा होता है तो सबसे पहले हम यहां से इसको लैंडस्केप सेलेक्ट कर लेंगे ठीक है देखो पहले पहले जीएसटी तक आ रहा था अब अब एज जी तक आने लगा मार्जिन को हम लोग ना सबसे नैरो कर देंगे नैरो ओके देखो आई तक आ रहा था एच जी एस टी तक आने लगा बिना कुछ ऐसे मैन्युअली सेटिंग किए बस यहाँ से सेटिंग को चेंज करके ही इतना चेंज आ गया अब करेंगे पेज सेटअप पेट सेटअप में इस परसेंटेज को थोड़ा कम कर देंगे टेन परसेंट कम करके देखते हैं क्या होता है ठीक है चलो मेरा यहाँ तक आ रहा है सपोज मुझे ना टोटल टैक्स तक ही चाहिए था हम और कम करेंगे तो ये और कवर करेगा बट मैं इसको फाइव परसेंट और बढ़ा देता हूँ ओके देखो मेरा ये टोटल टैक्स तक आ रहा है विजिबल भी है अब मैं इसे यहाँ से प्रिंट ले लूंगा प्रिंट लूंगा तो ये इतना ही चीज मेरा कवर करेगा ठीक है तो ये प्रिंट का सेटिंग वगैरह भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है आप देखो यहाँ पे प्रिंट एक्टिव शीट्स है प्रिंट इंटायर वर्कबुक आप कर दोगे तो सारे शीट प्रिंट हो जाएंगे ठीक है और अभी हम लोग सिर्फ मेन रजिस्टर प्रिंट कर रहे हैं यहाँ से आप प्रिंट के कॉपीज़ को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं ठीक है कितनी बार क्या होता है कि सीनियर बोलते हैं प्रिंट लाने के लिए और आप मतलब एडजस्ट ही नहीं कर पाते इतना बड़ा फाइल है आपको समझ नहीं आता है देखो मैं और कुछ कुछ बात बताऊँ इसमें इसको एडजस्ट करने का देखो टैक्सेबल वैल्यू कुछ जरूरत से ज्यादा बड़ा नहीं लग रहा है इसमें इतना जगह क्यों है आप अगर इसको थोड़ा सा पतला कर दो ना तो ये और जूम हो जाएगा ठीक है थोड़ा सा आपको स्पेस बच जाएगा थोड़ा सा हम लोग मंथ वालों को भी पतला कर सकते हैं। तो इस तरीके से एडजस्ट करके एक विजिबल काइंड ऑफ प्रिंट आउट निकालने का होता है ठीक है सो आई होप दैट मोस्ट ऑफ द थिंग्स आई हैव कवर्ड और एक्चुअल में आप लोग को इतना ही जानने की रिक्वायरमेंट है मतलब फ्यू ऑफ आर्टिकलशिप वाले स्टूडेंट्स दे आर लाइक उनको एक्सेल में मैं सर क्या नहीं सीख जाऊँ ये कोर्स कर लो इतना कुछ कर लो ये ये भी सीख जाऊँ क्या मैं कहता हूँ तो इतने फंक्शंस आपको मतलब आप सिर्फ आ जाए आपको कि ऐसे ऐसे हो जाएगा उससे कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं वर्क करोगे ना जब तक प्रैक्टिकली नहीं वर्क करोगे आपको रियलाइज़ नहीं होगा कि उस फंक्शन का यूज़ क्या है जैसे मैं आप लोग को बताता हूँ बिल्कुल जेनुनली बताता हूँ दैट अभी जैसे आप लोगों ने देखा कि पी टेबल अच्छा समरी बन गया कंडीशनल फॉर्मेटिंग ओके डुप्लीकेट ऐसे हो गया टॉप टेन ऐसे हो गया टेक्स्ट टू कॉलम में किसी क्राइटेरिया पे सेपरेट हो जाता है कॉन्टेंट बट एक टाइम पे वैन यू विल वर्क ऑन मतलब कि प्रैक्टिकली जब आप वर्क करोगे फॉर्म में अपने जॉब के टाइम या फिर आर्टिकलशिप के टाइम देन यू विल रियलाइज कि ये सब जो आज आप जो फंक्शन देखें ना ये पर कितना बल्कि काम को सॉल्व करता है ठीक है मतलब एज़ फार एज माय एक्सपीरियंस इज कंसर्न हो गया आज तीन साल अपना जॉब का और तीन साल अपना आर्टिकलशिप का ठीक है इतना अगर आपको आता है तो आपका लाइफ काफ़ी ईजी है ठीक है चलो मैं एक बार फटाफट बता बता देता हूँ स्टार्ट से कि मैंने क्या क्या बताया मैंने सेल रेफरेंस बताया था आ, ये आ, सेल रेफरेंस मैंने बताया था नेम बॉक्स नेम बॉक्स में मेरा यहाँ पे आता है नाम सेल का यहाँ पे फॉर्मूला बार में आता है कंटेंट मैंने आ, नीचे ये आप लोग को बताया था स्टेटस बार जहाँ पे काउंट एवरेज और सम आप जो भी सेल को सेलेक्ट करो तो वो हमें दिखता है ठीक है कंट्रोल प्लस राइट से आ, जो भी नेक्स्ट फील्ड सेल होगा वहाँ पर जाएगा अगर कुछ भी फिल नहीं होगा तो सबसे लास्ट में चले जाएगा स्विफ्ट प्लस एरो की से शिफ्ट प्लस एरो की से सेलेक्ट होता है हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एरो की करेंगे तो जिस भी डायरेक्शन का एरो की कर रहे होंगे उस डायरेक्शन में पूरा सेलेक्ट हो जाएगा टिल सेल जो जहाँ पर मतलब कि आपका कंटेंट है ठीक है और मैंने बताया था मैक्सिमाइज मिनिमाइज करने टाइटल बार से कंट्रोल जेड कंट्रोल वाई पता है आप लोग को अंडो रीडो ठीक है अंडो मतलब जो आपने अभी अभी ऑपरेशन किया है उसको वापस कर दो रीडो मतलब अंडो का अंडो का अंडो ठीक है कंट्रोल सी कंट्रोल वी कॉपी पेस्ट कंट्रोल एक्स कट कंट्रोल वी पेस्ट मैंने पेस्ट स्पेशल बताया बहुत इंपॉर्टेंट है प्लीज ऑल्ट कंट्रोल वी उससे आप वैल्यू पेस्ट कर सकते हो फार्मूला पेस्ट कर सकते हो एनी थिंग एक्सेप्ट बॉर्डर पेस्ट कर सकते हो ऑल पेस्ट कर सकते हो फॉर्मेट पेस्ट कर सकते हो मल्टीप्लाई कर सकते हो किसी एक एक डिजिट को डिवाइड कर सकते हो ट्रांसपोज याद रखना ट्रांसपोज ठीक है हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल तरीके से आप उसको पेस्ट कर सकते हो एफ टू प्रेस करने से सेल से एडिट होता है सेल एडजस्ट करना मतलब कि अगर मान लो कि किसी आप शीट में किसी शीट में आप अगर इस तरीके से लिखते हो कि द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज प्रोफेशनल जजमेंट जजमेंट ओके ये सेल नंबर एन सेवन में है इसे एडजस्ट करना हो तो सेल के लास्ट बॉर्डर पे डबल क्लिक करेंगे तो सेल में सेल का ऑटोमेटिकली उतना ही साइज हो जाएगा जो कि मैक्सिमम कंटेंट का साइज है ठीक है Uh, मैंने फिल्टर बताया फिल्टर का यूज़ बताया फिल्टर बहुत ही काम की चीज़ है टेक्स्ट फिल्टर कलर फिल्टर शॉर्ट करते हैं उससे ओके हम लोग इंडिविजुअली भी चीज़ों को सेलेक्ट कर सकते हैं मैंने शॉर्टकट बताया ऑल्ट डी एफ एफ फ़िल्टर लगाने के लिए ऑल्ट डी एफ एफ़ फ़िल्टर छुड़ाने के लिए ऑल्ट डी एफ एस फिल्टर में लगा हुआ क्राइटेरिया को छुड़ाने के लिए ऑल्ट डाउन से मेरा फ़िल्टर का ड्रॉप डाउन आएगा नीचे ठीक है फिर मैं एरो की से डाउन 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 करूँगा तो एक एक करके नीचे आएगा बॉक्स uh, को चेक अंड चेक करने के लिए स्पेस बार का यूज़ करेंगे ओके okay के लिए इंटर का यूज करेंगे ठीक है मैंने ये भी बताया था कि फिल्टर के साथ कभी आप कॉपी कर रहे हो पेस्ट कर रहे हो तो पेस्ट ब्लंटली नहीं कर देना है जिस एरिया में आपको पेस्ट करना है उसको सेलेक्ट करके पहले ऑल्ट सेमी कॉलन प्रेस करना है देखना वो एरिया हाईलाइट हो जाएगा अगर बीच में गैप रहेगा तो और पता है कभी ऐसा हो कि फिल्टर आपने लगाया और बीच में गैप नहीं है तो वो एरिया हाईलाइट नहीं होता है तो आप बस प्रेस कर देना कि ऑल्ट सेमी कॉलन में प्रेस कर दूँ पेस्ट कर पेस्ट कर, करने के पहले ठीक है फिल्टर बताते समय मैंने सम और सब टोटल का भी डिफरेंस बताया था सब टोटल आपका लाइफ रियली बहुत ईजी करता है बट हाँ सब टोटल प्लीज ध्यान से लगाइएगा सब टोटल कभी भी फिल्टर लगाने के बाद मत लगाइएगा ठीक है बिल्कुल क्राइटेरिया को हटा के और एक बार सब टोटल लगा लिया नीचे उसके बाद जैसे जैसे फिल्टर लगाएंगे वैसे वैसे मेरा वैल्यू चेंज होता जाएगा ठीक है कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैंने बताया था कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है ओके okay, मैंने कंट्रोल डी बताया कंट्रोल आर बताया वी लुकअप मैंने बताया कॉन्केटनेट करना बताया और एंड के फार्मूला से भी ऐड करने बताया जिसमें कि आप स्पेस या कुछ और भी डाल सकते हो बीच में काउंटिफ मैंने बताया पिवोट टेबल मैंने बताया पिवोट टेबल में सोर्स डेटा में अगर कुछ चेंज हो तो चेंज करने के बाद रिफ्रेश करना है आ, जो आप अगर रो में कोई दो एलिमेंट डालते हो जैसे मैंने वेंडर नेम और इन्वाइस नंबर डाला था तो वो जनरली ऐसा होता है कि मतलब ऊपर नीचे आता है बट सामने सामने करने के लिए मैंने दिखाया कि फील्ड सेटिंग में कैसे चेंज करना है ओके okay? कभी आप वैल्यूज़ में अगर टैक्सेबल वैल्यू को एंटर कर रहे हो और वहां पे अगर ऐसा होता है कि काउंट आ रहा है तो आप उस फील्ड में क्लिक करके फील्ड सेटिंग में जाके काउंट को सम कर सकते हो ठीक है कभी कभी होता है ऐसा टेक्स्ट टू कॉलम मैंने बताया जो कि फिक्स्ड विथ और किसी कॉमा या फिर सेमी कॉलम के को क्राइटेरिया मान के डीलिमिट करता है कंटेंट को ठीक है कंटेंट को सेपरेट करता है मैंने समय भी बताया आप लोग को मैंने लेंथ बताया ठीक है और मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने को बताया ये सब मैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइट कर रहा हूँ ठीक है मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट में बनाने के लिए बताया आप लोगों को डेटा वैलिडेशन से जाकर ओके अदर देन दिस कुछ शॉर्टकट्स एंड ऑल मैंने आप लोगों को बताए थे और कुछ इंपॉर्टेंट चीज लाइक नो कलर के लिए ऑल्ट एच एच एन बोल्ड के लिए तो कंट्रोल बी होता है अटैलिक के लिए कंट्रोल आई अंडरलाइन के लिए कंट्रोल यू बॉर्डर इंसर्ट करने के लिए मैंने बताया था बिकॉज हम लोग बहुत ही फ्रिक्वेंटली एक्सल में बॉक्स वगैरह बनाते हैं कुछ भी टेबल वगैरह इस तरीके से जो अभी स्क्रीन में दिख रहा है बनाते हैं तो ऑल्ट एच बी ए ऑल बॉर्डर ऑल्ट एच बी एन नो बॉर्डर ओके कहीं ऐसा स्पेसिफिक पड़ जाए साइड बॉर्डर लेफ्ट बॉर्डर राइट बॉर्डर डबल बॉर्डर तो वो ओपन करके ऐसे डाल देना कोई दिक्कत नहीं है ओके okay? उसके बाद अच्छा एक और बात मैं बताता हूं बट ये शायद एमएस वर्ड में ज्यादा काम करता है कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन आप जब प्रेस करोगे ना सेलेक्ट करके किसी चीज को तो उसका फॉन्ट साइज बढ़ जाता है कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन है या कंट्रोल शिफ्ट ही है शायद ठीक है कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन या ऑल्ट शिफ्ट ग्रेटर, ग्रेटर देन से फॉन्ट साइज बढ़ता है ठीक है अलाइनमेंट मैंने बताया था लेफ्ट राइट उसका ध्यान रखने का है Uh, मैंने रैप टेक्स्ट बताया था बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर कुछ चीज़ हम लंबा लिख रहे हैं तो उसको रैप करने को मैंने बताया था कि कुछ भी अगर आप प्रेजेंटेशन uh, या कोई भी अगर टेबल वेबल वे 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 बना रहे हो जहाँ पे फिगर है अमाउंट है तो उसको हमेशा कोमा में रखें ठीक है मैंने डेट का फॉर्मेट को चेंज करने बताया था डी डी एम एम वाई वाई एम एम डी डी वाई वाई इंग्लिश यूएस इंग्लिश यू के ये दोनों आप देखोगे तो आपको बहुत ही uh, अलग अलग वेराइटी मिल जाएगा मिल जाएंगे आपको फाइंड एंड रिप्लेस मैंने बताया था आप लोगों को ठीक है फाइंड एंड रिप्लेस भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है बट फाइंड रिप्लेस प्लीज ध्यान से करें आपको जिस एरिया में चेंज करना है उसको सेलेक्ट करके ही करना है अदरवाइज पूरे शीट में उसको फाइंड कर फाइंड करके रिप्लेस कर देगा ठीक <coughs> है और फाइंड रिप्लेस सिर्फ एक्सेल में ही नहीं वर्ड पावर पॉइंट में भी रहता है और चार्ट्स भी हम लोगों ने देखा था हल्का ही देखा था बट ठीक है पेज लेआउट में मैंने हम लोगों ने मार्जिनस देखा ग्रिड लाइन्स हटाने देखा मैंने ये भी, भी, भी बताया कि कभी अगर कुछ सीनियर को प्रेजेंट कर रहे हो तो, तो गेडलाइंस आप हटा आप रिमूव कर दोगे तो ज़्यादा वो प्रेजेंटेबल लगता है ओके आ, हम लोगों ने टॉप टॉप रो को रो को फ्रीज करना भी हम लोगों ने देखा अगर टॉप रो को हम फ्रीज कर देते हैं तो जितना भी बड़ा फाइल हम नीचे आते जाते हो तो हमारा हेडिंग दिखता रहता है तो हमें हेल्पफुल होता है ठीक है रिमूव डुप्लीकेट्स हम लोगों ने देखा जो कि अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है ठीक है और एक बात याद रखना हमेशा वी लुकअप जो है ना वो हमेशा यूनिक फिगर पे लगता है तो ज़्यादा बेटर होता है अगर चीज़ें डुप्लीकेट रिपीट हो रही है ना तो वी लुकअप कभी कभी बायस्ड आंसर देता है ठीक है तो कभी कभी ऐसा होता है कि वी मतलब वी लुकअप मैं लगा रहा हूँ सही नहीं आ रहा है ड्यू टू डुप्लीकेट आइटम्स तो जिस जिस क्राइटेरिया को सेलेक्ट करके वी लुकअप लगाते हैं ना उसको पहले रिमूव डुप्लीकेट कर देते हैं ओके आप लोग करोगे प्रैक्टिकली तब एकदम बढ़िया से आएगा समझ में और बाकी मैंने प्रिंट रिव्यू का भी चीज़ बताया लिंकिंग का इंपॉर्टेंस बताया मैंने ठीक है और शीट इंसर्ट करना डिलीट करना रीनेम करना ये बताया मैंने ठीक है तो इतना कुछ काफ़ी है इतना कुछ काफ़ी है बाकी आप लोग इस चीज़ को प्रैक्टिस करना अच्छे से अच्छे से प्रैक्टिस करना और कुछ भी डाउट हो तो मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ लेना मे भी इस वीडियो में ऐसा हुआ होगा कभी कि आप अगर कोई फंक्शन को कर रहे हो या मैंने बोला कुछ आप समझे नहीं प्रॉपरली तो यू कैन आस्क मी ओके और लिस्ट बना लेना <laughs> जिसको भी ऐसा लग रहा होगा हो कि सर बहुत कम हुआ तो वो लोग लिस्ट बना लेना मैंने कॉन्केटनेट भी आप लोगों को बताया था शायद मैंने रिपीट किया था ठीक है तो चीज़ों की लिस्ट बना लेना कि आप लोगों को क्या क्या आता है ओके एंड दोज थिंग्स आर वेरी मच हेल्पफुल चलो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम आई होप आप लोगों को ये वीडियो बिल्कुल अच्छा लगा होगा आप लोग कमेंट करके बताना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिकॉज अब तो आर्टिकलशिप से रिलेटेड लाइक uh, like, अभी स्टार्ट इट इंटरनल और टैक्स का वीडियो अपलोड हो गया राइट आगे इंडायरेक्ट टैक्स एम एन एन हॉल का वीडियो आएगा सो so, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करके मुझे प्लीज़ बताना दैट हाउ यू लाइक दिस वीडियो ठीक है चलो बाय बाय थैंक्स